Good morning to all of you. हाँ जी, कल हमने जो टॉपिक स्टार्टअप किए थे, वन इज जो ठीक ऑडिट प्लानिंग का स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 300, और उसके बाद वी हैव डन कुछ लिमिटेड पार्ट जो हमारा पेंडिंग था ऑडिट वर्किंग पेपर्स का. आज का जो हमारा शेड्यूल है उसके अंदर दो मेन टॉपिक हैं. पहला टेस्ट चेकिंग एंड सेकेंड ऑडिट सैम्पलिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 530. हां जी, जोधपुर कंटिन्यूअस ऑडिट का डिसएडवांटेजेस का पॉइंट टू बुक से रीड करा दूं. डिसएडवांटेजेस का पॉइंट नंबर टू कंटिन्यूअस ऑडिट का, एग्जामिनेशन ऑफ एन आइटम लेफ्ट इनकम्प्लीट ऑन ए विजिट फॉर बीइंग अंडरटेकिंग ऑन द नेक्स्ट विजिट मे बी ओवरलुक्ड. मतलब कि हम एक कंटिन्यूएशन वे में काम करते हैं और कंटिन्यूएशन वे में काम हो रहा है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि जब 100% चेकिंग होनी ही है तो समटाइम्स इट मे हैपन कि एक पर्टिकुलर डे को जो हमने काम किया उस डे के एंड पर अभी पूरी चेकिंग नहीं हुई और अगले दिन या एक दिन बाद जब भी हम नेक्स्ट टाइम आकर अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन वाला पेंडिंग काम हो सकता है हमारे माइंड से स्किप कर जाए. ये एक डिसएडवांटेजेस आ सकता है इसमें. हां जी, गंगानगर, पानीपत, अदर सेंटर्स, हैप्पी फ्रेंडशिप डे. थैंक यू, सेम टू यू. टुडे इज द फ्रेंडशिप डे. चलिए, और रोहतक कैसे हो? आई एम फाइन. पटना, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए. क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द यूटिलिटी ऑफ वर्किंग पेपर. यूटिलिटी ऑफ वर्किंग पेपर में वर्किंग पेपर के पर्पस आते हैं और पेज नंबर 58 पर पहला टॉपिक हमारा पर्पस का है, वो इसका आंसर बनेगा. हां जी, सूरत कंटिन्यूअस ऑडिट इज स्टैचुरी ऑडिट. कंटिन्यूअस ऑडिट मैंने कल भी डिस्कस किया था आपके साथ. इट इज एन अप्रोच. एक अप्रोच है जहां पर हम एक काम को उसकी रेगुलरिटी के बेसिस पर एग्जामिन करते हैं. यदि मैं जैसे कंपनी ऑडिट कर रहा हूं अंडर सेक्शन 224, वो स्टैचुरी ऑडिट है और उसके अंदर मेरी अप्रोच रहती है कंटिन्यूअस वे में काम करने की. सो दैट मीन्स वहां पर कंटिन्यूअस ऑडिट एक स्टैचुरी ऑडिट की फॉर्म में आ रही है हमारे सामने. जोधपुर फाइनल ऑडिट की एडवांटेजेस का पॉइंट नंबर 1. वर्क कैन बी कैरीड ऑन टिल द ऑडिट इज ओवर. Therefore, avoiding the necessity of having to return on separate occasions to complete the work. जैसे continuous audit के अंदर हम अपनी working को divide कर सकते हैं कि ये काम इस वक्त करेंगे, वो काम उस वक्त करेंगे. Division कर लेते हैं और वही division अपने आप में sometime it become a disadvantage. लेकिन final audit में जैसे ही काम start हुआ वो जब तक complete नहीं हो जाता तब तक continuous रहता है. फाइनल ऑडिट में वर्क हमारा कंप्लीट होने तक हम कंटिन्यूअसली काम को करते रहते हैं. तो दैट इज द केस, वर्क कैन बी कैरीड ऑन टिल द ऑडिट इज ओवर. देयरफॉर द अवॉइडिंग द नेसेसिटी ऑफ हैविंग टू रिटर्न ऑन सेपरेट ओकेशंस, कि पुरानी चीजों पर हमें वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ती. कंटिन्यूअस ऑडिट में क्या होगा, जैसे एक चीज मैंने सपोज सितंबर में एग्जामिन कर ली, जब मैं दिसंबर के मंथ तक पहुंचा तो
तो मेरी ओपिनियन में एक चीज आई कि जो मैंने पहले एग्जामिन किया था माइट भी कि उसके अंदर कुछ गलतियां हों, तो मैं वापस उस सितंबर वाली ट्रांजेक्शन पर जाऊंगा। बट फाइनल ऑडिट में तो हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लगकर एक मेहनत करके उस सारी ऑडिट को निपटा देते हैं विद इन ए वीक। पटना ऑडिट प्लान स्ट्रेटजी टेक्निक इन सिंपल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज के नंबर नहीं मिलेंगे, इन्हीं चीजों को आपको लर्न करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मार्कर नहीं चल रहा आपका, टेस्ट चेकिंग एंड ऑडिट सैंपलिंग। नाउ डाउट्स जो है वो आज क्लास के लास्ट में लूंगा, जो भी रिपीटिशन का काम भी है वो भी लास्ट में। दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये आज, पहले इनको पूरा करके यदि लास्ट वाला कल वाला रिपीट भी करना है तो उसके बाद में करा दूंगा। ओके सो नाउ बी फोकस ऑन दीज टू टॉपिक्स, कल के जो भी डाउट्स हैं वो आज क्लास के लास्ट में लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म टेस्ट चेकिंग एंड ऑडिट सैंपलिंग, दोनों वर्ड एक दूसरे के लिए इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। टेस्ट चेकिंग मीन्स चेकिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस इंस्टेड ऑफ 100% चेकिंग। 100% चेकिंग की जगह सिर्फ ट्रांजेक्शंस के एक पार्ट की चेकिंग करना, दैट इज नोन एज द टेस्ट चेकिंग। ऑडिट सैंपलिंग यही चीज, सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स टू बी चेक्ड एज ए पार्ट ऑफ टेस्ट चेकिंग। नाउ सो टेस्ट चेकिंग क्या है, 100% ट्रांजेक्शंस की जगह ट्रांजेक्शंस के एक लिमिटेड पार्ट को इवैल्यूएट करना, एग्जामिन करना, और उसमें किन ट्रांजेक्शंस को चेक करना है, दैट इज टर्म्ड एज द सैंपलिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सेल्स, एक एंटिटी में एक पर्टिकुलर ईयर में 1000 ट्रांजेक्शन हुई हैं सेल की, एग्रीगेट अमाउंट है 500 करोड़ का, वेरी करता है 1 लाख से लेकर 50 करोड़ रुपीस की ट्रांजेक्शंस के बीच में। 1000 ट्रांजेक्शंस, उनका एग्रीगेट अमाउंट है 500 करोड़ रुपीस का, और जो ये ट्रांजेक्शंस हैं वो 1 लाख रुपीस से लेकर 50 करोड़ रुपीस तक के बीच में वैरी करती हैं। नाउ इन दिस केस क्वेश्चन अराइज, क्या आप
100% ट्रांजैक्शन को चेक करोगे? क्या आप 100% ट्रांजैक्शन को चेक करोगे? नहीं करोगे। आपने एक क्राइटेरिया निकालना है। जैसे एक तरीका है कि हम 1000 में से सिर्फ 100 ट्रांजैक्शंस को चेक करेंगे, एक तरीका। दूसरा वे, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का कोई मैटर नहीं है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की अप्रोच हम नहीं लेकर चलेंगे। हम अप्रोच क्या लेंगे, मेरे को कम से कम 300 करोड़ रुपए की एग्जामिनेशन करनी है, कम से कम 300 करोड़ रुपए की सेल की ट्रांजैक्शंस की चेकिंग करनी है। तीसरा वे, इसमें मैंने वेरिएशंस कर दी, 1 लाख से लेकर अप टू 50 लाख, 50 लाख टू अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ से लेकर अप टू 50 करोड़। इसमें मैंने कहा 100% चेकिंग, इसमें मैंने कहा 50% चेकिंग, और इसमें 20% चेकिंग। सो टेस्ट चेकिंग क्या है, इंस्टेड ऑफ 100% एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन करना ऑन टेस्ट बेसिस, और वो टेस्ट बेसिस कोई भी वे हो सकता है कि जैसे बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। बेस्ड अपॉन अमाउंट इन्वॉल्व, बेस्ड अपॉन हेटेरोजिनस नेचर, कि जब बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है, हेटेरोजिनस, हेटेरो मीन्स वेरिएशंस। अब जैसे ये 3 एग्जांपल आ गए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट इन्वॉल्व, हेटेरोजिनस नेचर। अब यदि मैं एक एग्जांपल लूं, हंड्रेड ट्रांजैक्शंस हैं ऑफ रुपीज 10,000 ईच, 100 ट्रांजैक्शन ऑफ रुपीज 10,000 ईच। अब इस केस में बताओ मेरे को कौन सा क्राइटेरिया लेना चाहिए, 100 ट्रांजैक्शन ऑफ 10,000 ईच, कौन सा क्राइटेरिया लेना चाहिए, बताइए। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन का बेस ले लूं? यस, बिल्कुल ठीक, जोधपुर, प्रीतविहार, पटना, बिल्कुल ठीक, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। यदि मैंने कहा 10 ट्रांजैक्शन चेक करूंगा, सारी की सारी ट्रांजैक्शन ही 10,000 रुपए की है, तो रिजल्ट कोई भी 10 ट्रांजैक्शन चेक कर लो, एवरी ट्रांजैक्शन हैज इक्वल अमाउंट, अमाउंट का कोई भी डिस्प्यूट ही नहीं था यहां पर, एवरी ट्रांजैक्शन इज ऑफ इक्वल अमाउंट। या फिर दूसरी सिचुएशन आ सकती है, 100 ट्रांजैक्शंस वेरी बिटवीन 10,000 टू 5 लाख, 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में ट्रांजैक्शंस वेरी करती हैं, तो यहां पर अमाउंट बेसिस भी चल सकता है, या ये हेटेरोजिनस नेचर वाली चीज, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, अभी आगे पढ़ेंगे स्ट्रेटिफिकेशन। या स्ट्रेटिफिकेशन भी कर सकते हैं, किसी भी बेस पर कर सकते हैं अमाउंट वाइज। So,
इस तरह से ये हमारी एक दो वर्ड है, वन इज टेस्ट चेकिंग, सेकेंड वन इज द ऑडिट सैंपलिंग। टेस्ट चेकिंग एक टेक्निक है कि जिसमें हम ये कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ 100% एग्जामिनेशन वी कैरी आउट द एग्जामिनेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस। वो पार्ट कौन सा होगा, उस पार्ट को डिटरमाइन करना, सैंपल सिलेक्ट करना, दैट इज नोन एज द ऑडिट सैंपलिंग। एग्जामिनेशन ऑफ लेस देन 100% ट्रांजैक्शन इज टेस्ट चेकिंग, आल्सो नोन एज ऑडिट सैंपलिंग। और उसमें से सैंपल्स को निकालना, ठीक, दैट इज सिलेक्शन ऑफ सैंपल, आल्सो नोन एज ऑडिट सैंपलिंग। दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। मेरठ कह रहे हैं, लॉ में कहते हैं कि हमें बुक की लैंग्वेज लिखनी चाहिए। प्रॉब्लम इज दैट कि जहां तक बात आ जाती है वर्डिंग्स की, जो लॉ के या स्टैंडर्ड्स के अपने वर्ड हैं, आप उनसे तो नहीं हट सकते ना। यदि एक वर्ड लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, कि आप उसके अंदर लिखो प्रीवियस ऑडिट वर्क, वो चीज गलत हो जाती है। लैंग्वेज अपनी बना लीजिए, लेकिन वर्डिंग तो लॉ की ही रहेगी सारी। ऑडिट स्ट्रेटजी वर्ड को आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी वर्ड को आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। लॉ के जो वर्ड्स हैं उनको एज सच आपको अपने पास याद रखना पड़ेगा और उन्हीं वर्ड्स के साथ ही चलिए। दैट डज नॉट मैटर कि आपने लॉ की लैंग्वेज लिखी है कि वो क्रैमिंग है, दैट इज ए लर्निंग ऑल्सो, कि हमने एक चीजों को समझ कर और हमारी ग्रेस्पिंग पावर इतनी है कि वो चीज हमने माइंड में सेट की है, उसको क्रैमिंग का नाम नहीं देंगे। क्रैमिंग तो वो चीज आएगी कि आप एक चीज को लिख रहे हो और उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, मीन्स आधी अधूरी चीजें बीच में भूल चुके हो, दैट इज ए क्रैमिंग। अमाउंट इन्वॉल्व में टोटल अमाउंट देखना है या इंडिविजुअल, बोथ, दोनों ही चीजें देखनी है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है हाजरा सेंटर, ग्रुपिंग करना, जहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशन है, जैसे ये 1,00,000 रुपए से लेकर 50 करोड़ तक की ट्रांजैक्शंस है, तो हमने क्या किया, इनको सिमिलर नेचर में कन्वर्ट किया, ग्रुपिंग कर दी, और एवरी सच ग्रुप इज नोन एज स्ट्रेटा। हेटेरोजिनस पॉपुलेशन को कन्वर्ट करना होमोजिनस ग्रुप में, इट इज नोन एज द स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन को यदि डिफाइन करें हम, दैट इज कन्वर्जन ऑफ हेट्रोजिनस पॉपुलेशन इंटू होमोजिनस ग्रुप्स। हेट्रोजिनस मतलब जहां पर बहुत ज्यादा वाइड वेरिएशन है, 1,00,000 से लेकर 50 करोड़ रुपए तक की ट्रांजैक्शन है। होमोजिनस, हमने कोशिश की लगभग एक नेचर के अमाउंट पर आए, 1,00,000 से 50,00,000, ये लैक्स के अंदर ही रह गया। 5 करोड़ से 50 करोड़, ये करोड़ के अंदर चला गया सारी फिगर, और ये लगभग एक करोड़ से कुछ नीचे और 1 करोड़ से कुछ ऊपर। इस तरह से हेट्रोजिनस पॉपुलेशन को होमोजिनस ग्रुप में कन्वर्ट करना, दैट इज टर्म्ड एज द स्ट्रेटिफिकेशन। जोधपुर, इन दिस एग्जाम्पल यू टुक अमाउंट इन्वॉल्व एज 300 करोड़, हाउ वी विल चेक इट। जैसे 500 करोड़ की सेल्स थी, मुझे 300 करोड़ एग्जामिन करना है। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे
कंप्यूटर्स के अंदर या एक्सेल शीट में ग्रेटर देन 25 करोड़ की ट्रांजैक्शन की एक कमांड डालूंगा, ग्रेटर देन 25 करोड़, मेरे पास लिखा हुआ आ गया 28 करोड़, 29.50 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 52 करोड़। इस तरह से 5 ट्रांजैक्शंस मेरे पास आ गई और इनका टोटल बन गया 199.5 करोड़। 5 ट्रांजैक्शन मैंने डिटेल में चेक की। चलो अभी मेरा 300 करोड़ का अमाउंट पूरा नहीं हुआ, मैं आगे चलूंगा। ग्रेटर देन 15 करोड़ से लेकर अप टू 25 करोड़ तक, फिर मेरे पास ट्रांजैक्शंस लिखी हुई आ गई 18 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़, 16 करोड़, 15 करोड़, 19 करोड़, 21 करोड़। अब मैं इनके अंदर से ट्रांजैक्शंस की चेकिंग करूंगा, 18 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 19, ये हो गया 131। 199.5 प्लस 131, 330 करोड़ रुपए। तो इस तरह से मैंने क्या किया, कमांड डालकर एक्सेल के अंदर जो अपर मोस्ट अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं हमने वो चेक कर ली, 330 करोड़ रुपया चेक हो गया मेरा। सो ये, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये मेथड एक्यूरेट नहीं है, अपने आप में गलत है। मैंने इन सारी ट्रांजैक्शंस को चेक किया, रिजल्ट क्या आया मेरे पास कि 5 प्लस 7 12 ट्रांजैक्शंस ये पूरी ठीक हैं। और इसके बेसिस पर मैं क्या ओपिनियन दे दूंगा कि सेल्स की ट्रांजैक्शन ठीक लिखी हुई है। अब क्वेश्चन ये आया कि हो सकता है मिस्टेक हो, किसमें, उन ट्रांजैक्शंस में जो लेस देन 15 करोड़ की हो सकता है मिस्टेक हो उन ट्रांजैक्शंस में जो लेस देन 15 करोड़ की हो। तो रिजल्ट मेरा सैंपलिंग रिस्क आ चुका है यहां पर। सैंपलिंग रिस्क, तो ये अपने आप में एक गलत मेथड है और एक बायसनेस आ रही है, एक एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन नहीं है। ये गेट बंद कर दो, काफी आवाज आ रही है बाहर। हाँ, जोधपुर स्ट्रेटिफिकेशन इज द बेस्ट मेथड। स्ट्रेटिफिकेशन सबसे बेस्ट मेथड काउंट होता है। किस केस में, जब वाइड वेरिएशंस होती हैं ट्रांजैक्शंस के अंदर। रोहतक हमें रीजनेबल एश्योरेंस तो मिल गया, रीजनेबल एश्योरेंस आपको मिला है ओनली फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का। लेकिन लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस का रीजनेबल एश्योरेंस मिला, नहीं मिला। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट इज रिक्वायर्ड, वी आर रिक्वायर्ड टू मेक सब ग्रुप्स, और उसके बीच में से हमें एग्जामिनेशन करनी चाहिए थी। स्ट्रेटिफिकेशन में भी टेस्ट चेकिंग, हां जी, ग्रुप बनाकर उनके बीच में से सैंपल्स निकालो हर एक ग्रुप को। पॉपुलेशन इस तरह से आपकी यदि वाइडली वेरिड है तो उसमें जो आप सब ग्रुप बनाए वो सब ग्रुप इस तरह के होने चाहिए कि आपकी पूरी पॉपुलेशन की नेचर को रिप्रेजेंट करें। उसमें कुछ ट्रांजैक्शन लो वैल्यू आइटम की आए, कुछ ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू आइटम की आए, कुछ ट्रांजैक्शन मॉडरेट नेचर की आए, सो दैट आप सारी तरह की ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन कर सको। सिर्फ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करके आपने एक चीज अमाउंट वाइज तो रीजनेबल एश्योरेंस ले लिया, लेकिन जो ट्रांजैक्शन लो अमाउंट की थी उनके अंदर भी मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, वहां पर आपने एश्योरेंस लेवल नहीं दिया। दैट डज नॉट अपीयर्स टू बी जस्टिफाइड वन। हां, जोधपुर टेस्ट चेकिंग एंड सैंपलिंग बोथ आर सिनोनिम्स वर्ड्स।
ऑडिटर सारी ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकता, दैट इज ओके, लेकिन कुछ केस में करनी भी पड़ती है। रीजनेबल चेकिंग आपने अमाउंट की कर ली बट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की नहीं की। यदि हमें 300 करोड़ की ट्रांजैक्शन चेक करनी है तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? जैसे तीन ग्रुप बनाए कि 500 करोड़ है, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक, फिर हमने डिस्कस किया था 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक, 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक। इसकी एक एनालिसिस करो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, अमाउंट इन्वॉल्व। 700 ट्रांजैक्शंस, 700 ट्रांजैक्शंस नियर अबाउट 40 करोड़ रुपए की, 50 लाख से 5 करोड़, सो ट्रांजैक्शंस, इनका अमाउंट लगभग 100 करोड़। 5 करोड़ से 50 करोड़ में 20 ट्रांजैक्शन और 20 ट्रांजैक्शन का अमाउंट 360 करोड़। ये एक एनालिसिस की हमने, 820 ट्रांजैक्शन है सेल की 500 करोड़ रुपए की, रिजल्ट कि 40 करोड़ रुपए 500 करोड़ में कम नहीं होते, 40 करोड़ 500 करोड़ में 8% की फिगर है, ये 20% है और ये 72% है। क्या करो कि ये 20 ट्रांजैक्शंस हैं, ये 20 ट्रांजैक्शंस तो 100% चेक करो, 360 करोड़ रुपए की, ये 100 ट्रांजैक्शन है 100 करोड़ की, कम से कम 10 ट्रांजैक्शंस इसमें से भी चेक कर लो, लगभग 10 करोड़ रुपए की एवरेज, एवरेज 700 ट्रांजैक्शन में से 30-40 ट्रांजैक्शन, लेट से मैंने कहा 20 ट्रांजैक्शन चेक करूंगा इस 700 में से, इंटरनल कंट्रोल तो मुझे इनका भी देखना है, नंबर ऑफ चेकिंग, चेकिंग की एक्सटेंट देखो कम होती जा रही है, 20-100%, 100 में सिर्फ 10% 10 ट्रांजैक्शन, 700 में सिर्फ 30 ट्रांजैक्शन मैंने चेक किए, लगभग कितना अमाउंट आ जाएगा, 4-5 करोड़ कुछ भी जो आता है, 2 करोड़, 3 करोड़ कुछ भी जो आए। तो इस तरह से मैंने हर एक ग्रुप के अंदर चेकिंग की, आई एग्जामिन 100% चेक ग्रुपिंग, 100% चेकिंग नहीं की, 100% ग्रुप्स बनाकर फिर चेक किया, मेरे को इसमें भी एक एश्योरेंस मिला, इसमें भी एक एश्योरेंस लेवल आया और इसमें भी एक एश्योरेंस लेवल हमारे पास आया। रिस्क हम इसमें भी है, कहां पर है, इसमें रिस्क है 100 ट्रांजैक्शंस में से, 100 करोड़ की में से मैंने सिर्फ 10 करोड़ चेक किया, लेकिन एक आइडिया तो लग जाएगा कि हां इनमें एज सच जो मैंने 10 ट्रांजैक्शन चेक की कोई मेजर मिस्टेक्स नहीं मिली। वही चीज फिर मैं इन 20 ट्रांजैक्शंस की बात करूंगा, मैंने इन 20 ट्रांजैक्शन को चेक किया 700 में से और मेरे को उनमें मिस्टेक नजर नहीं आई, तो ओके। तो यहां पर हमने क्या किया, अपने रिस्क को एक कंपैरेटिवली लो लेवल पर ले आए। यदि इसकी जगह और मैं सिर्फ 20 ट्रांजैक्शन चेक करता 360 करोड़ रुपए की, 20 ट्रांजैक्शन चेक करता 360 करोड़ रुपए की,
500 करोड़ में 360 करोड़ की एग्जामिन तो मैंने कर ली, लेकिन एक प्रॉब्लम है, माइट बी इनमें मिस्टेक हुई तो मैं अपने आप को कैसे एश्योर करूं इस चीज के लिए। मैंने इनमें से भी कुछ ट्रांजेक्शन को चेक कर लिया, तो जिसके बेस पर मेरा ऑडिट प्लान क्लियरली कहेगा मैंने बेस्ड अपॉन द मटेरियलिटी लेवल, बेस्ड अपॉन द मटेरियलिटी लेवल ग्रुपिंग की और हर एक ग्रुप में से एप्रोप्रिएट सिलेक्शन की, और उस एप्रोप्रिएट सिलेक्शन पर आई परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड कलेक्ट ऑडिट एविडेंसेस बेस्ड ऑन विच आई फ्रेम द ओपिनियन। नाउ अब हम बात करते हैं टेस्ट चेकिंग के टॉपिक्स में हमें करना क्या क्या है। तीन टॉपिक हैं जो हमें कवर अप करने हैं। पहला टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ टेस्ट चेकिंग, दूसरा मैटर्स टू बी कंसीडर्ड या प्रिकॉशंस टू बी टेकन, While doing test checking, टेस्ट चेकिंग को करते वक्त हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, थर्ड what are the items not suitable for test checking, कौन सी ऐसी transactions हैं जिनकी टेस्ट चेकिंग हमें नहीं करनी चाहिए। ये तीन टॉपिक हैं, बहुत सिंपल नोट्स में पेज नंबर 63 पर गिवन है। पेज नंबर 63 पर कंसेप्ट ऑफ टेस्ट चेकिंग, पेज नंबर 63 Meaning and concept. Meaning, it is an accepted audit procedure wherein an audit is conducted on the basis of part checking. Number two, a complete checking of the transaction is time consuming and costly. Or even एक्चुअल बताओ क्या 100% चेकिंग के बाद भी आप ये कह सकते हैं आपका कोई रिस्क नहीं है? क्या 100% चेकिंग के बाद भी वेदर यू कैन आइडेंटिफाई एरर ऑफ फुल ओमिशन, क्या एरर ऑफ फुल ओमिशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? एक ट्रांजेक्शन हुई, उसका वाउचर ही गायब कर दिया है, यदि उसका वाउचर ही अवेलेबल नहीं है तो हाउ यू केम टू नो कि इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन एंटिटी के अंदर हुई थी? इनहेरेंट लिमिटेशंस आर देयर, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है। सो इन ए केस जब आप 100% चेकिंग के बाद भी ये चीज एश्योर नहीं कर सकते कि हाँ मेरा ऑडिट रिस्क जीरो पर आ चुका है, देन व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर कैरिंग आउट द 100% एग्जामिनेशन। 100% examination is time consuming as well as costly and hence go for the test checking. Third, it has been found that audit satisfaction can be obtained by checking a part only because that part if suitably selected is supposed to possess the characteristics of the entire population. जो सैंपल आप सिलेक्ट करो वो इस तरीके से करो कि आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने का मतलब आपके सैंपल्स में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, लो वैल्यू ट्रांजेक्शन, मॉडरेट वैल्यू ट्रांजेक्शन सब की एक स्पेसिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मटेरियलिटी लेवल।
एक वर्ड है मटेरियलिटी और दूसरा वर्ड है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, कि यदि लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस में, लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस के अंदर एरर है ज्यादा, और यदि वो सारे एरर मिलकर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की एक ट्रांजैक्शन जितना पहुंच जाते हैं, दैट बिकम्स ए मटेरियल वन, इट एक्सीड्स द मटेरियलिटी एज ए होल। सो अंडर दैट सिचुएशन, अंडर दैट सिचुएशन द सैंपल्स जब भी हम सिलेक्ट करें, किस केस में, व्हेन देयर इज ए वैरिड नेचर ऑफ वैरिड लेवल ऑफ द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का अमाउंट एक स्मॉल लेवल से लेकर एक हाई लेवल तक स्प्रेड है, तो अंडर दैट सिचुएशन हमें उस अमाउंट को एप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करना है, और उसका सबसे एप्रोप्रिएट मेथड आता है स्ट्रेटिफिकेशन। प्रिकॉशंस, हमें किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन, स्ट्रेटिफिकेशन, किस केस में, इफ ट्रांजैक्शंस आर ऑफ वैरिड नेचर। स्ट्रेटिफिकेशन कर लेनी चाहिए हमें, क्योंकि ये स्ट्रेटिफिकेशन हमें हेल्प करेगी रिप्रेजेंट करने में एंटायर पॉपुलेशन को। यदि हम स्ट्रेटिफिकेशन नहीं करेंगे तो एंटायर पॉपुलेशन रिप्रेजेंट नहीं होगी। जैसे पहला जो एग्जांपल लिया हमने, यदि उस सेल्स में 1,50,000,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शंस हैं और हम उसकी स्ट्रेटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, इट विल रिजल्ट इनटू ए नॉन रीजनेबल एश्योरेंस। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, क्लासिफाइंग हेट्रोजिनस पॉपुलेशन इनटू होमोजिनस ग्रुप्स। हेट्रोजिनस पॉपुलेशन को मीन्स जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अमाउंट की, बहुत कम अमाउंट की, इस तरह से हैं, उसको होमोजिनस ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लेना। वैरिड नेचर से हमारा मतलब है भरतपुर हेट्रोजिनस, जैसे एग्जांपल में था 1,50,000,000, क्या इनका कोई मैच है आपस में, नहीं है। यदि सारी ट्रांजैक्शंस में ये कहूं कि 40,00,000 से 50,00,000 के बीच में है, एवरी ट्रांजैक्शन इज इन बिटवीन 40,00,000 to 50,00,000, तो ये तो अपने आप में होमोजिनस टाइप का ग्रुप लगता है। बट यदि मैं ये कहूं 1,00,000 से 50,00,000, देन ये एक वैरिड ग्रुप है जिसमें लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस भी हैं और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस भी आती है। एक एंटिटी होलसेल बेसिस पर भी गुड्स को बेचती है और दूसरा रिटेल बेसिस पर भी गुड्स को बेचती है। होलसेल के अंदर उसकी ट्रांजैक्शन के अमाउंट होते हैं 1,00,000 above, 1,00,000 above, रिटेल के अंदर उसकी ट्रांजैक्शन के अमाउंट होते हैं 1,00,000 below। एक कंपनी दो टाइप की सेल्स कर रही है, होलसेल रिटेल। होलसेल में उसके सेल्स के अमाउंट है 1,00,000 above, रिटेल के अंदर उसके सेल्स के अमाउंट है 1,00,000 below। अब यदि वही चीज आती है, आपने अपने सैंपल में दोनों ही ट्रांजैक्शंस को नहीं लिया, होलसेल ट्रांजैक्शन एज वेल एज रिटेल सेल ट्रांजैक्शन, तो उस सिचुएशन में क्या आपकी सैंपलिंग करेक्ट है, क्या आप सिर्फ होलसेल ट्रांजैक्शन की एग्जामिनेशन कर लो और रिटेल को छोड़ दो, इज वेदर इट अपीयर्स टू बी जस्टिफाइड, नो। तो व्हाट वी नीड्स टू डू, हमें होलसेल पॉपुलेशन को भी एज वेल एज रिटेल सेल को भी, उन दोनों को ही कवर करना पड़ेगा अपने सैंपल्स के अंदर। होमोजिनस इज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट और साइज, ये हमारी अपनी जजमेंट है। हेट्रोजिनस का मतलब वेरी, 1,50,00,000 रिटेल
होलसेल, यदि मैं सारी ट्रांजैक्शन ही होलसेल में करता हूं तो ये होमो सेम तरह की ट्रांजैक्शन, हेट्रो डिफरेंट नेचर की ट्रांजैक्शन, लो अमाउंट हाई वैल्यू मिडल अमाउंट इस तरह से। ओके, सो टेस्ट चेकिंग को करते वक्त यू आर रिक्वायर्ड टू डू द स्ट्रेटिफिकेशन। कब? यदि ट्रांजैक्शंस वैरिड नेचर की हैं तो। यदि ट्रांजैक्शन ही सारी सेम नेचर की हैं, इफ द ट्रांजैक्शंस ऑल ट्रांजैक्शंस आर ऑफ सेम नेचर, जैसे एग्जांपल लें टेलीफोन का बिल या इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगभग कंपनी का 50 से 60,000 के बीच में मूव करता है। टेलीफोन का या इलेक्ट्रिसिटी का बिल कंपनी का मंथली 50 से 60,000 रुपए के बीच में है। अब बताओ इसके अंदर मेरी सैंपलिंग कैसे होगी? क्या मैं इसमें स्ट्रेटिफिकेशन करूं? गिव रिप्लाई, टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी का बिल 50,000 से 60,000 के बीच में है, क्या इसके अंदर स्ट्रेटिफिकेशन होगी? नहीं होगी। इसमें मैं एग्जामिनेशन क्या कैसे करूंगा बताओ? 12 बिल हैं एक साल के और सारे बिल 50,000 से 60,000 के बीच में हैं। कैसे आप इस चीज को एग्जामिन करना चाहोगे? बताओ कैसे चेक करोगे? मैंने आपको कहा, आपको ये ड्यूटी दी कि एक्स लिमिटेड में जाओ और उनका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अमाउंट एग्जामिन करके आओ सैंपलिंग के बेस पर। उन्होंने टोटल लिखा हुआ है एक्सपेंस 6,90,000 रुपीज का, 6.90 लाख। क्या करोगे आप? अब बताओ, एक्चुअल में बताओ आप क्या करोगे? एक साल के 12 बिल हैं 6,90,000 रुपए के, व्हाट यू विल डू? कैसे एग्जामिन करोगे, क्या करोगे? दिल्ली विश्वास नगर कह रहे हैं सारे चेक करेंगे। हरगोबिंद एनक्लेव प्रीवियस ईयर की चेकिंग, प्रीवियस ईयर, ओके। एनालिटिकल रिव्यू कर सकते हो, प्रीवियस ईयर में बिल कितना था और करंट ईयर में बिल कितना है। एक बेस तो ये है और बड़ा सिंपल सा है। दूसरा और नहीं, तीन चार बिल निकाल लिए, लेट से तीन बिल सिलेक्ट कर लिए। कौन कौन से? एक अप्रैल का ले लिया, एक अक्टूबर का ले लिया, एक मार्च के महीने का ले लिया। इन तीनों बिलों की कैलकुलेशन को चेक कर लिया और उसके बाद उनकी बुक्स में रिकॉर्डिंग चेक कर ली, रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग चेक कर ली, पोस्टिंग के बाद समराइजिंग चेक कर ली। तीन बिल उठाकर, चार बिल उठाकर एग्जामिनेशन कर लिया। That is what sampling. 12 के 12 बिल मैंने चेक नहीं किए, उनमें से कोई भी तीन चार बिल मैंने उठाकर चेक कर लिए। So, while performing the test checking, यदि transaction varied nature की है, then we needs to apply the stratification. Number 2. एग्जामिनेशन इन डेप्थ, एग्जामिनेशन इन डेप्थ, इसका क्या मतलब है? जब आप सारी ट्रांजैक्शंस तो चेक कर नहीं रहे, कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस चेक कर रहे हैं, तो उन लिमिटेड ट्रांजैक्शंस पर एक्सपेक्टेशन क्या है? आप उन ट्रांजैक्शंस को तो बिगिनिंग से एंड तक चेक करो। द ट्रांजैक्शंस विच आर सेलेक्टेड एज एन सैंपल, transactions which are selected as the sample needs to be examined from beginning to the end. Examination in depth, depth में हम examination करेंगे। जोधपुर वाले कह रहे हैं कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, वही चीज। ट्रांजैक्शन कम चेक कर लो लेकिन जो चेक कर रहे हो बिगिनिंग टू एंड। तीसरा,
evaluation of internal control system. जिन transactions को आप sample basis पर ले रहे हैं, कितना sample लेना है? 100%, 50%, 40%, 30%, वो depend करेगा किस पर? Internal control की effectiveness पर. तो यदि internal control effective है, तो sample size कम हो जाएगा. लेकिन यदि internal control weak है, ineffective है, तो sample size बढ़ जाएंगे. क्यों? Reasonable assurance level को लेने के लिए. कि if internal control strong है, effective है, it results into reduction in sample size. लेकिन यदि internal control weak है, ineffective है, तो मुझे reasonable assurance को लेने के लिए sample size को बढ़ाना पड़ेगा. Right? किसी भी चीज के samples को select करते वक्त, what is the objective? Objective of selection या examination. जिस transaction के आप samples select कर रहे हैं, उन transactions के पीछे क्या objective काम करता है, वो चीज आपके mind में होनी चाहिए. जैसे यदि मैं investments को examine कर रहा हूं, तो मेरा objective क्या है? इन्वेस्टमेंट्स को एग्जामिन करते वक्त सपोज मेरा ऑब्जेक्टिव है उनकी एग्जिस्टेंस को देखना, क्या वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते. तो ऐसी सिचुएशन में जनरली मैं सैंपलिंग नहीं करूंगा. इन्वेंटरी, इन्वेंटरी की वैल्यूएशन देखनी है, क्या कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पर है या नहीं. तो एक चीज है, बताओ AS2 में ये जो वैल्यूएशन करते हैं हम, मेजरमेंट करते हैं इन्वेंटरी की, वो इन एग्रीगेट करते हैं या आइटम वाइज करते हैं? इन्वेंटरीज के अंदर वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस इज डिटरमाइन इन एग्रीगेट और आइटम वाइज. आइटम वाइज तो वहां पर मैं क्या कर सकता हूं, कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करके उनकी वैल्यूएशन देख सकता हूं कि उनमें एग्रीगेट वैल्यूएशन हुई है या आइटम वाइज हुई है. तो ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी क्लियर कि मैं जो एग्जामिनेशन करना चाहता हूं इसका मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. हां, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर, नेचर ऑफ एक्टिविटी के ऊपर. नो बायसनेस, ट्रांजैक्शंस को आप चेक कर रहे हो, बायसनेस नहीं आनी चाहिए. जैसे कंपनी में 5 अकाउंटेंट हैं, 4 अकाउंटेंट तो मेरे को सपोर्ट करते हैं, एक अकाउंटेंट मेरी बात नहीं मानता. नाउ क्वेश्चन इज देयर कि हाँ ये पर्सन मेरे बात नहीं मानता, मेरा रिगार्ड नहीं करता, इस पर्सन को पनिश करने के लिए इस पर्सन की अकाउंटिंग बुक्स जो ये बनाता है उनकी तो मैं सारी चेकिंग कर लूं और बाकी 4 पर्सन की मैं सैंपलिंग कर दूं. नो, इस तरह से नहीं. बायसनेस शुड नॉट बी देयर कि अपने किसी भी पर्सनल रीजन के कारण सैंपल सिलेक्शन में बायसनेस एंटर नहीं करनी चाहिए. आइडेंटिफाई द आइटम्स नॉट सुटेबल फॉर टेस्ट चेकिंग. आइडेंटिफाई कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर बायसनेस नहीं होनी चाहिए और जहां पर टेस्ट चेकिंग नहीं होनी चाहिए. जैसे ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है, ईयर एंड की एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, डेप्रिसिएशन एंट्री है, रॉयल्टी की एंट्री है, ये इस तरह की ट्रांजैक्शंस हैं जहां पर हम टेस्ट चेकिंग एक्सपेक्ट नहीं करते.
Number 7. Number of transactions to be examined. टेस्ट चेकिंग करते वक्त मेरे को कितनी ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करना है, इन चीजों को ध्यान में रखो। तो इस तरह से ये कुछ मैटर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए व्हेन वी आर अप्लाइंग द प्रोसीजर ऑफ टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग के प्रोसीजर्स को अप्लाई करते वक्त दीज आर द मैटर्स दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड। नोट्स में पेज नंबर 64 पर है, ये पेज नंबर 64 पर, वहां से एक बार डिस्कस कर रहा हूं। विश्वासनगर फोर्थ पॉइंट, संगरूर सेवंथ पॉइंट, सूरत सेकंड पॉइंट, विश्वासनगर फोर्थ पॉइंट, सिलीगुड़ी सिक्स्थ पॉइंट। मैं सारे ही पॉइंट्स को एक बार बुक से ले रहा हूं, तो लिखकर भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है पूरी लिस्ट बना दोगे। पहला पॉइंट, ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंसर्न शुड बी क्लासिफाइड अंडर एप्रोप्रिएट हेड एंड मे बी स्ट्रेटिफाइड इफ वाइड वेरिएशंस आर देयर। जहां पर ट्रांजैक्शंस की नेचर बहुत ज्यादा वाइड हो रही हैं, उनके अमाउंट बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो वहां पर हमें स्ट्रेटिफिकेशन को करना चाहिए। पॉइंट नंबर टू, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स फॉर एंट्रिंग इनटू एंड प्रोसेसिंग ए ट्रांजैक्शन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इट शुड बी स्टडी इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर। इट इन्वॉल्व्स किसने ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज किया, हाउ इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, हाउ इट हैज बीन रिकॉर्डिंग एंड हाउ एंड व्हाट आर द वेरियस एविडेंसेस अवेलेबल फॉर इट। थर्ड, द होल ऑफ द सिस्टम ऑफ द इंटरनल कंट्रोल इन द एरिया ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस शुड बी स्टडी एंड इवेल्युएटेड फॉर इट्स एफिशिएंसी, साउंडनेस एंड कैपेबिलिटी। किस पर्पज के लिए, कि जो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल डाटा ये सिस्टम प्रोड्यूस करें दैट नीड्स टू बी रिलायबल। फोर्थ, ए प्रॉपरली थॉट आउट टेस्ट चेक प्लान शुड बी प्रिपेयर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच चेक। हर एक चेक का क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो ऑडिट स्टाफ को क्लियर होना चाहिए। हम एक चीज को करते वक्त ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं। जैसे सपोज हम इसी चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर के अंदर हमें जो जो चीजें पढ़नी है, हम अपने पॉइंट से सोचते हैं, हम इसमें टेस्ट करना चाहते हैं कि सारे चैप्टर को पढ़ने से फिर भी ऐसी चीजें नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता, तो फिर इस चैप्टर को भी पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन जो चीज पढ़ रहे हैं उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या काम कर रहा है। एक ऑब्जेक्टिव तो है कि ये 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसलिए मेरे को तो इसको लर्न करना ही है, लर्न नहीं होता, समझ नहीं आता तो मैं क्रैम करूंगा, एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा ये कि एक टॉपिक ऐसा आ रहा है जिसमें मुझे लगता है आगे जाकर फ्यूचर में ये चीज मुझे अफेक्ट करेंगी, इसलिए मैं इनको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करूं। तो वही चीज, ऑब्जेक्टिव वैरी कर गया पर्सन टू पर्सन, ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्टिव वैरी कर जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे नजर आएंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आए हुए, मैं उनको रीडिंग लेकर छोड़ दूंगा। तो एवरी ट्रांजेक्शन जो हम चेक करते हैं टेस्ट चेकिंग में, we must know the objective behind that examination. Fifth, transaction falling under each test check plan should be selected in a manner so that biasness cannot enter in the selection. Sixth, identify the area where test checking cannot be done. ये हमारा third topic भी है, अभी इसे discuss करेंगे, बहुत important point है। Seventh, number of transactions to be selected for each test check plan should be predetermined. मेरे को कितना examine करना है वो predetermined करो। And eighth, errors that found during the audit may be material or immaterial in the context of particular audit. और जो एक particular activity में आपने evidence collect किए, एक particular activity में आपने सैंपल सेलेक्ट किए, दैट डज नॉट मैटर, कि वही सैंपल आपका काम कर जाएगा दूसरी एक्टिविटी को करने के लिए। पॉइंट नंबर 8, देखो इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं।
जैसे एक्सपेंसेस की बात करूं मैं, फाइनेंशियल ऑडिट की बात आ रही है और एक टैक्स ऑडिट की बात आ रही है। फाइनेंशियल ऑडिट और टैक्स ऑडिट दोनों के अंदर एक ऑब्जेक्टिव अलग है। टैक्स ऑडिट के अंदर मेरा एक ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या कोई भी एक्सपेंस 20,000 अबव इज मेड बाय अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट और नोट, कहीं कैश से तो नहीं पे हो गया, क्या यही एविडेंसेस फाइनेंशियल ऑडिट के लिए रेलिवेंट है? नो। फाइनेंशियल ऑडिट में तो एक्सपेंस चाहे कैश में पे किया या अकाउंट पे ही चेक से किया, फाइनेंशियल ऑडिट तो कहती है बस एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए पीएनएल अकाउंट में, कि ये पीएनएल बनाया चाहे कैश में दिया चाहे चेक से दिया चाहे एडजस्टमेंट के थ्रू दिया, डेबिट होना चाहिए। लेकिन वही चीज टैक्स ऑडिट के अंदर ये चीज अलग हो जाती है, और टैक्स ऑडिट में यहां पर नो टेस्ट चेक, कोई टेस्ट चेक नहीं हो सकता, 20,000 रुपए से ऊपर वाली सारी ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करना पड़ेगा टैक्स ऑडिट को करते वक्त। सो कि जो मिस स्टेटमेंट आपको मिली मटेरियल या इमटेरियल एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, दैट माइट नॉट बी एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशंस, और इस चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल परफॉर्मिंग द टेस्ट चेकिंग। दीज आर द वेरियस प्रिकॉशंस दैट नीड्स टू बी टेकन। ये क्वेश्चन एक बार आया था नवंबर 2007 में, 6 नंबर का, नवंबर 2007 में 6 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आया था। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस आइटम्स Not suitable for test checking. What are the various items जो test checking के लिए suitable नहीं है? Page number 65 पर given है. Opening and closing entry, bank reconciliation statement, balance sheet items, matters involving estimation as well as computation. एग्जाम्पल डेप्रिशिएशन है, रॉयल्टी है, एटसेट्रा, ट्रांजेक्शंस ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर और एक्सेप्शनल नेचर, ट्रांजेक्शंस विच मे बी स्मॉल इन नंबर बट मे बी इंपॉर्टेंट एंड मटेरियल, जैसे फाइन्स, पेनल्टीज, कोई भी फाइन या पेनल्टी दिया उसमें टेस्ट चेकिंग नहीं होगी, बेशक वो अमाउंट बहुत ही लोअर है, ट्रांजेक्शंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ to be looked in by the auditor carefully, example managerial remunerations, seasonal industry में sampling annual basis पर नहीं होनी चाहिए, season basis पर होनी चाहिए, why these items are not suitable for checking due to materiality, ये transactions इतनी important nature की हैं कि इनके अंदर test checking मत perform करो। ओके, ये क्वेश्चन आया था मई 1997 में, 4 मार्क्स का, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री, बैंक रिकॉन्सिलिएशन एंट्री, स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, मैटर इन्वॉल्विंग एस्टीमेट्स एंड कंप्यूटेशन, ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये यूजुअल नेचर की ट्रांजेक्शन तो नहीं है ना, इट इज ए नॉन रेकरिंग नेचर ट्रांजेक्शन, small in number but may be important in material like fines, penalties, okay, that is about the topic of test checking. Siliguri tax audit CA final ke andar hai, Merit point number 3 hai balance sheet ki item jo hamare balances ko show kar rahi hai, फिक्स्ड असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस, इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस, इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस, पृथ्वी हार रॉयल्टी में तो धांधलेबाजी नहीं हो सकती, ठीक हो सकती है, हेंस इट इज रिक्वायर्ड कि आप उसको केयरफुली एग्जामिन करें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक।
विश्वासनगर पॉइंट टू का एग्जाम्पल दे दूं। एग्जामिनेशन इन डेप्थ लाइक, जैसे एक सेल हुई तो मुझे क्या चेक करना है, उसका सेल इनवॉइस, किसने साइन किया, उसकी रिकॉर्डिंग इन सेल बुक, उसकी पोस्टिंग किसमें, सेल्स अकाउंट में, उसकी समराइजेशन किसमें, ट्रायल बैलेंस में, बिगनिंग से एंड तक एग्जामिनेशन करना। कोई रेलिवेंट डाउट हो तो बता दो, अदरवाइज की रिपीटिशन तो नहीं होगी। हां, मुजफ्फरनगर सैंपलिंग डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, यस, सिचुएशनल वाइज सैंपलिंग का रिस्क हमारा चेंज होता रहता है एंड अकॉर्डिंगली सैंपलिंग किस चीज को सिलेक्ट करना है और किसको नहीं करना वो हमारा एक डिसीजन होगा। तीन चार सेंटर का डाउट है पॉइंट नंबर फाइव। पॉइंट नंबर फाइव इज बायसनेस, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक पर्टिकुलर एरिया पर ज्यादा फोकस करें और एक एरिया को बिल्कुल इग्नोर कर दें। बायसनेस शुड नॉट बी देयर, कि जैसे ठीक, आपके कई बार सेस पर मैसेज आते हैं कि सर आप हमारे मैसेज नहीं देख रहे, आप हमारी क्योरी का जवाब नहीं दे रहे। जब आप ऐसे मैसेज लिखकर भेजते हो तो ऐसा लगता है कि आप लोग एक बायसनेस का चार्ज लगा रहे हो हमारे ऊपर, कि हां आपके सेंटर को इग्नोर कर दिया और बाकियों के जवाब दे रहे हैं। सो इन दिस केस यहां पर भी एक सैंपलिंग चल रही है सेस के ऊपर कि जो मैसेज आ रहे हैं उनमें रेलिवेंट कौन सा है और इररेलीवेंट कौन सा है। जो इररेलीवेंट नजर आते हैं या ऐसा नजर आता है कि हां आगे जाकर वो कवर हो जाएगा, उसे इग्नोर कर दिया जाता है, और जो चीज रेलिवेंट नजर आती है उसे डिस्कस कर लिया जाता है। सो इट इज नॉट ए केस ऑफ बायसनेस। तो वही चीज टेस्ट चेकिंग करते वक्त, किसे अभी एग्जामिन करूं, किसे बाद में एग्जामिन करूं, किसको एग्जामिन ही नहीं करना, इनको करते वक्त आपकी जजमेंट अप्लाई होनी चाहिए, बायसनेस शुड नॉट बी देयर। डिब्रूगढ़ नॉन रेकरिंग नेचर, नॉन रेकरिंग नेचर से हमारा क्या मतलब है, वो ट्रांजैक्शन जो इन जनरल नहीं होती, रिपीट नहीं होती। सेल्स रिपीटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शन है, रेकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शन है, लेकिन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स वो रेकरिंग नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो जो ट्रांजैक्शन रेकरिंग नेचर की नहीं है उनकी एग्जामिनेशन दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डन 100% चेकिंग कौन से केस में होती है, जो पेज नंबर 65 पर दिए हुए हैं, आइटम्स नॉट सुटेबल फॉर टेस्ट चेकिंग। हां जी, और डिग्री रिलायंस, डिग्री मींस कितने परसेंट तक आप रिलाई कर सकते हो, दिस इज योर कंसर्न। योर कंसर्न मतलब आपका एक लेवल ऑफ जजमेंट है, डिग्री ऑफ लेवल, कि आप 100% उस पर बिलीव करने के लिए तैयार हैं या 50% तक बिलीविंग कर रहे हैं, वो चीजें। हां जी फरीदाबाद, सर 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 सर, 7 बार सर लिख के भेजा है और आगे कुछ नहीं लिखा। पानीपत प्रिकॉशंस का 7th पॉइंट है प्री डिटरमाइंड, पहले से डिटरमाइन करके चलो कि आपको कितनी ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करना है। यह चीज आपको किस चीज में हेल्प करेगा, टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट के अंदर, कि आपको पता है कि दीज आर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक एंटिटी के अंदर है और उनमें मेरे को कितनी ट्रांजैक्शंस को चेक करना है, 10, 20, 30, अपने आप को फोकस करके चलो। क्योंकि अदरवाइज यदि पहले से ही आप प्री डिटरमाइन होकर नहीं चलोगे तो लेटर ऑन यू विल फेस द डिफिकल्टी, कि आपको लगे ये भी चेक करना था, वो भी करना था, वो भी करना था। नो, इट शुड बी डिटरमाइंड प्रीवियसली,
कि जैसे एग्जाम से पहले ही आप अपना एक टारगेट बनाते हो कि मेरे को ये चीज करनी है, किस डेट तक करनी है और कितना करना है, तो टेस्ट चेकिंग में सैंपलिंग इट आल्सो नीड्स टू बी डन प्री डिटरमाइंड। चलिए अब ये टॉपिक कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट ऑडिट सैंपलिंग। ऑडिट सैंपलिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 530 रिवाइज्ड क्या क्या प्रोविजंस देता है हमें। मीनिंग ऑफ सैंपलिंग ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ट्रांसैक्शंस विद इन ए पॉपुलेशन विद इन ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? एंटायर सेट ऑफ डाटा जिसमें से सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है। पॉपुलेशन एंटायर सेट ऑफ डाटा फ्रॉम विच samples are selected, from which the samples are selected। एक और वर्ड है sampling unit। population के अंदर जो individual item है उसको हम sampling unit का नाम देते हैं, means एक single transaction। इंडिविजुअल आइटम विद इन द पॉपुलेशन सो इस स्टैंडर्ड ने तीन मीनिंग दिए। सबसे पहले तो हमें उनको डिस्कस करना है। मैं भी सैट्स पर कोई मैसेज का जवाब नहीं दूंगा, इसलिए मत भेजना। पहले ये स्टैंडर्ड पूरा हो जाएगा, उसके बाद सैट्स पर क्वेश्चन देखूंगा मैं। मीनिंग ऑफ सैंपलिंग दैट इज 100% से कम ट्रांसैक्शंस के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करना विद ए रेलिवेंस, किस थिंकिंग के साथ कि एवरी सैंपलिंग यूनिट हैज ए चांस ऑफ सिलेक्शन। हर एक यूनिट का सिलेक्शन का चांस है जो ऑडिटर को एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। किस पर्पस के लिए? टू फ्रेम द ओपिनियन, ओपिनियन को फ्रेम करने के लिए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपलिंग? नोट्स में पेज नंबर 65 पर यह स्टैंडर्ड दिया हुआ है, एक बार वहां से रीड करवा रहा हूं। मीनिंग ऑफ ऑडिट सैंपलिंग सबसे लास्ट रो में, द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन ए पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट रेलिवेंस सच दैट ऑल सैंपलिंग यूनिट हैव ए चांस ऑफ सिलेक्शन। मतलब बायसनेस नहीं है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद ए रीजनेबल बेसिस, जिसके बेसिस पर ऑन विच टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन।
sampling unit. What it is? Individual items और उससे बनती है population. उस population पर जो procedure apply करते हैं वो less than 100%. Now, इसके बाद फिर इसके अंदर एक बहुत important topic है, sampling risk का. Meaning of sampling के बाद, I am taking one important topic. Sampling risk. A very important question. Kya hai? Risk. Kis cheez ka? That auditor's conclusion based on, किसके base पर? Based on the sample. May be inappropriate or different. Inappropriate हो सकता है या different हो सकता है किससे? From the conclusion. उस conclusion से, if the entire population has been examined. यदि हमने पूरी population को examine किया होता, पूरी population, it was subjected to audit procedure. कि यदि मैं 100% checking करता, तो शायद मेरा opinion conclusion कुछ और होता, और अब मैंने 100% checking नहीं की sampling की, तो मेरा conclusion कुछ और होता. इसको हम डिस्कस कर सकते हैं दो रिस्पेक्ट में, सैंपलिंग रिस्क विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट्स ऑफ कंट्रोल एंड सैंपलिंग रिस्क with respect to test of detail. Sampling risk with respect to test of control. ये कौन सा audit procedure है? Compliance procedure. जिसमें हम क्या examine करते हैं? Effectiveness, continuity, application of internal control. Test of detail. What it is? Test of details. Vouching verifications जहां पर transactions की detail checking की जाती है. Inappropriate judgment क्या हो सकती है? Controls are more effective than they actually are. मैंने कुछ सैंपल को चेक किया, कुछ कंट्रोल को चेक किया, कुछ कंट्रोल को, वो सारे कंट्रोल ठीक निकले, और मैंने क्या एक सोच लिया, जब सैंपल कंट्रोल ठीक हैं, तो बाकी सारे कंट्रोल ठीक होंगे, लेकिन एक्चुअल में बाकी कंट्रोल इफेक्टिव नहीं थे. जिन कंट्रोल को मैंने एग्जामिन किया सैंपल बेस पर, वो तो ठीक थे. जिन कंट्रोल को मैंने छोड़ दिया, मेरी सैंपलिंग में सिलेक्ट नहीं हुए, वो इफेक्टिव नहीं थे. हो गई गड़बड़? या फिर मैं क्या सोच सकता हूं, और कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव
controls are less effective, then they actually are. मैंने जो कंट्रोल चेक किए उनमें तो कमियां थी, उनमें कमियां हैं तो मैंने क्या मान लिया, सारों में कमियां हैं, ठीक, जबकि बाकी कंट्रोल बहुत स्ट्रांग थे। जैसे सपोज आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूं अभी सरप्राइजिंग, और आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखकर मुझे दे रहे हैं, और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पा रहा किसी भी रीजन के कारण, ठीक, मेरी ओपिनियन क्या बन जाएगी कि इस पर्सन को नॉलेज नहीं है एंड ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट वन, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, इंटेलिजेंट, और उसकी इंटेलिजेंस कब सामने आएगी, लेटर ऑन। तो वही चीज यहां पर हमने शुरू में जो एग्जामिन किया हमें लगा कंट्रोल कम इफेक्टिव है, लेकिन एक्चुअल में वो कंट्रोल ज्यादा इफेक्टिव थे। सैंपलिंग रिस्क, टेस्ट ऑफ डिटेल, इसके अंदर क्या होगा, मैंने कुछ ट्रांजैक्शन चेक की वो बिल्कुल ठीक थी, वो बिल्कुल ठीक थी, तो मैंने क्या कहा, मटेरियल मिस स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन एक्चुअली इट एग्जिस्ट्स, व्हेन एक्चुअली इट एग्जिस्ट। और दूसरी सिचुएशन, मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस चेक की और उसके बेस पर ओपिनियन बनाई कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है व्हेन एक्चुअली इट डज नॉट। नाउ दो सिचुएशन मेरे सामने आ गई, मुजफ्फरनगर में देखना क्लास हैंग, हां जी, जो यहां लिखा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन ओपिनियन कंक्लूजन। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक चीज देखो, पहले पॉइंट को लेते हैं, पहले पॉइंट को कंसीडर करते हैं, कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। मुझे लगता है कि कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या करूंगा, ये क्या करवाएंगे मेरे से, मैं कैसे ओपिनियन दे दूंगा, जो ओपिनियन दूंगा क्या वो ओपिनियन ठीक होगी। कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे आर एक्चुअली आर, मतलब कि कंट्रोल में मानकर चल रहा हूं ज्यादा इफेक्टिव है और जबकि एक्चुअल में वो इफेक्टिव नहीं है। यहां पर मैं मानकर चल रहा हूं मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट करती है, मैं अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे दूंगा। जोधपुर ने बिल्कुल ठीक लिखा, एरोनियस एंड इन अप्रोप्रिएट रिपोर्ट। तो जो मैं रिपोर्ट दूंगा, जो ओपिनियन मैं दूंगा, That will be an inappropriate opinion. मुजफ्फरनगर, nobody is receiving our call. Help desk पे कोई call नहीं ले रहा है, देखो। Now, इसका result क्या आएगा? It affects audit
इफेक्टिवनेस, ये मेरी ऑडिट इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करेगी। संगरूर हां हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा इस तरह का रिस्क, तो पहली सिचुएशन में मेरी ऑडिट इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करेगी एंड मे लीड टू इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन। आई फील सेटिस्फाइड, मैं इन दोनों ही चीजों में अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहा हूं और ओपिनियन दे दूंगा, लेकिन इस दूसरे केस में क्या होगा? जरा ध्यान से सोच के देखना। दूसरे केस में, दूसरे केस में बहुत ध्यान से सोच के आपको जवाब देना है। पहला पॉइंट, कंट्रोल, मैंने परचेज का कंट्रोल चेक किया, वीक है। सेल्स का कंट्रोल चेक किया दो ट्रांजैक्शन में, दो ट्रांजैक्शन में सेल का कंट्रोल चेक किया, वीक है। यदि मेरे को कमी नजर आ रही है कंट्रोल में, कंट्रोल में कमी नजर आई, तो मैं क्या करूंगा? और जबकि कंट्रोल वीक नहीं है, कंट्रोल वीक नहीं है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चार ट्रांजैक्शन चेक की, 100 ट्रांजैक्शन थी, 100 में से चार चेक की और चार में, दो में गलतियां मिल गई, मेरी तो ओपिनियन क्या बन गई, आधी ट्रांजैक्शन गलत है। 100 में से चार ट्रांजैक्शन चेक की और चार में से दो गलत मिल गई, मेरी ओपिनियन क्या बन गई, आधी ट्रांजैक्शन गलत है। क्या मैं अब बाकी की ट्रांजैक्शन को भी चेक करने की कोशिश करूंगा या नहीं करूंगा, ये बताओ। चार ट्रांजैक्शन मिली चेक की, चार में से दो गलत, तो क्या मैं बाकी ट्रांजैक्शन चेक करूंगा या नहीं करूंगा? क्या मैं अपनी ऑडिट की एक्सटेंट बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ाऊंगा? बढ़ाऊंगा, बाकी किसी ट्रांजैक्शन में गलती नहीं है, बाकी किसी ट्रांजैक्शन में आगे जाकर गलती नहीं मिली, वो सैंपल ही मेरे सामने ऐसे आ गए थे जो गलत निकले, लेकिन बाकी जो ट्रांजैक्शन बची हुई है वो सारी की सारी बिल्कुल ठीक है, तो रिजल्ट क्या हुआ? इट अफेक्ट्स ऑडिट एफिशिएंसी। ये इफेक्टिवनेस को अफेक्ट नहीं करेगी, ये ऑडिट एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगी ड्यू टू इंक्रीज्ड वर्क टू डिटरमाइन दैट इनिशियल कंक्लूजन वर रोंग। जो स्टार्टिंग में कंक्लूजन लिए थे वो गलत थे, इस चीज को दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों को अच्छी तरह से समझना, इन दोनों पॉइंट को। सैंपलिंग रिस्क क्या है? कि हमारा रिस्क कि जो कंक्लूजन हम सैंपल्स के बेस पर ले रहे हैं वो डिफर कर सकता है किससे, उस कंक्लूजन से, यदि हम ऑडिट प्रोसीजर्स को सैंपल की जगह पॉपुलेशन पर अप्लाई कर, यदि हम ऑडिट प्रोसीजर्स को कुछ सैंपल्स की जगह पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते तो ओपिनियन कुछ और हो सकता था, किससे, उस ओपिनियन से जो सैंपल्स के सिलेक्शन पर हमारे सामने आया है। फिर हमने इन रिस्क को दो कैटेगरीज में कंसीडर किया,
पहली कैटेगरी है हमारी सैंपलिंग रिस्क विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जब हमने सैंपलिंग अप्लाई की, सैंपलिंग अप्लाई की किसमें, कंप्लायंस प्रोसीजर्स के अंदर, इंटरनल कंट्रोल को इवेलुएट करने के लिए हमने सैंपलिंग अप्लाई की। परचेजेस की ट्रांजेक्शंस 50 ट्रांजेक्शन है, क्या उनके डिसीजन परचेज मैनेजर प्रॉपरली लेता है या नहीं लेता, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में या नहीं, तो वहां पर इंटरनल कंट्रोल की कमियों को हमने देखा। ठीक, दो चीजें आती हैं। पहला केस, कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव, ये मेरी ओपिनियन है, जबकि एक्चुअल में वो इफेक्टिव नहीं थे। कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव जबकि एक्चुअल में वो इफेक्टिव नहीं थे। ट्रांजेक्शंस की डिटेल में क्या हुआ, मेरी ओपिनियन निकलकर आई, मटेरियल मिस स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन एक्चुअली इट एग्जिस्ट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कोई गलती नहीं है जबकि गलतियां हैं, सैंपल साइज के अंदर कोई गलती नहीं नजर आई, अदरवाइज गलतियां हैं, मैं अंधेरे में हूं, मुझे कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री नजर आ रहे हैं, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेटिस्फैक्ट्री नजर आ रही हैं, तो क्या होगा। यदि आप एक सेटिस्फेक्शन लेवल ले चुके हो, कंट्रोल सेटिस्फाइड कर रहे हैं आपको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपको सेटिस्फाइड कर रही हैं, क्या आप अपने ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करोगे या ओपिनियन बनाकर दे दोगे। दो ऑप्शन, वेदर यू एक्सटेंड द प्रोसीजर और फ्रेम द ओपिनियन, बताओ। ओपिनियन वन, क्या आप प्रोसीजर एक्सटेंड करोगे, नंबर दो, या आप ओपिनियन देकर काम खत्म करोगे। ओपिनियन देकर आप अपने प्रोसीजर एक्सटेंड नहीं करोगे, आप यहां पर भी सेटिस्फाइड हो रहे हो, आप यहां पर भी सेटिस्फाइड हो रहे हो, और अल्टीमेटली एक गलत ओपिनियन आप देकर चले जाओगे। लेकिन दूसरी सिचुएशन में हमारे सामने क्या हुआ, कंट्रोल ठीक नहीं है, कंट्रोल ठीक नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांजेक्शन गलत है, कंट्रोल ठीक नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांजेक्शन ठीक नहीं है, तो अब बताओ, सैंपल जो आपने सैंपल सिलेक्ट किए थे वो आपको कह रहे हैं कंट्रोल इज नॉट करेक्ट एंड मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती हैं, तब आप अपने प्रोसीजर्स को बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे। सैंपल का ओपिनियन आया, सैंपल का, कंट्रोल्स आर रॉन्ग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो क्या आप ऑडिट प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करोगे या नहीं करोगे। यस, आप ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड कर दोगे, सैंपल साइज बढ़ा दोगे, और फिर आपको पता चलेगा स्टार्टिंग में जो आप कह रहे थे गलत है, वो वहां तो गलत था थोड़ा बहुत, बाकी जगह गलतियां नहीं है, तो रिजल्ट आप बच जाओगे। यदि ये चीज निकाल ली, सैंपल में गलतियां मिल गई शुरू में, फिर तो आप बच गए, सैंपल में गलतियां शुरू में ही मिल गई, फिर आप बच जाओगे। कैसे बच गए, कि आप आगे चेकिंग करोगे, लेकिन सैंपल ही आपके कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, और जबकि सब कुछ ठीक नहीं था, फिर आपका रिस्क बहुत ज्यादा है, फिर आप गलत ओपिनियन दे चुके हो, और यहां पर आप अपने आप को आगे जाकर सेव नहीं कर पाओगे। सो, दो सिचुएशन हमारे पास थी, कि जब हमें जो रिस्क है वो एक रिस्क उस फॉर्म में आ रहा है कि सैंपल बेटर रिजल्ट दे रहे हैं जबकि एक्चुअल में बेटरनेस नहीं है, और दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्या है, सैंपल एडवर्स रिजल्ट दे रहे हैं जबकि एक्चुअल में एडवर्स नेचर नहीं है। हरगोबिंद एनक्लेव, सैंपल कैन बी बायस्ड, हो सकता है कि यदि हम सैंपल सिलेक्ट करते वक्त बायसनेस कर रहे हो कि ओके ये तो मुश्किल सी ट्रांजेक्शन है, इसे तो छोड़ दो, सिंपल सी ट्रांजेक्शन को चेक कर लो। सैंपल एंड पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है, दिल्ली साउथ एक्स, पॉपुलेशन सारी ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और सैंपल
उस ट्रांजैक्शंस को, सारी ट्रांजैक्शंस में से सिलेक्ट किए हुए ग्रुप को, सिलेक्टेड ग्रुप इज नोन एज द सैंपल, एंटायर ग्रुप मास ऑफ ट्रांजैक्शन इज पॉपुलेशन। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है? इफेक्टिवनेस, आपने काम अप्रोप्रिएट नहीं किया, इफेक्टिव नहीं है, शेयर होल्डर को इसका कोई फायदा नहीं होगा, मैनेजमेंट को कोई फायदा नहीं होगा ऐसी रिपोर्ट का। एफिशिएंसी, काम ज्यादा करना पड़ा, शुरुआत में गलतियां पकड़ी गई तो मुझे लग रहा है सब कुछ गलत है और सब कुछ गलत नहीं था। भोपाल, सैंपल साइज बढ़ाने का मतलब सैंपल के बीच का डिफरेंस कम करना या बढ़ाना, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी एग्जामिन उसको बढ़ाना, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस टू बी एग्जामिन उसको बढ़ाना। सिलीगुड़ी, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? कंट्रोल से मतलब इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल। हां जी, जनकपुरी, व्हाई वी यूज वर्ड एंटायर? हटा सकते हो, एंटायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन इटसेल्फ एंटायर को रिप्रेजेंट करती है, इट इज ओके। अमरावती, नंबर ऑफ सैंपल एंड रिस्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सैंपल साइज ज्यादा होगा रिस्क कम है, सैंपल साइज कम है तो रिस्क ज्यादा होगा। एग्जांपल ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल ओवर परचेज, कंट्रोल ओवर सेल्स, कंट्रोल ओवर फिक्स्ड एसेट्स, कंट्रोल ओवर लेबर पेमेंट, कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय सैलरी पेमेंट एटसेट्रा। सैंपल सिलेक्शन का बेसिस क्या है वो अभी डिस्कस करना बाकी है। देयर इज नो वे टू रिड्यूस रिस्क इन फर्स्ट, हां इसमें कोई वे नहीं है आपके पास अपने रिस्क को कम करने का। सब्जेक्टेड टू सेम ऑडिट प्रोसीजर सेम ही रहेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर तो सेम रहेगी, अप्लाई पॉपुलेशन पर करें या सैंपल पर करें वो वेरी होगा। भिलाई टेस्ट चेकिंग में इफ ऑडिटर मैनेजमेंट से मिल जाए तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, हां जी पॉसिबिलिटी है, इस रिस्क का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस रिस्क का सॉल्यूशन यही है कि आपके सैंपल्स जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट वे में सिलेक्ट। भोपाल, इज इट नेसेसरी फॉर ए सैंपल दैट इट शुड रिजेंबल पॉपुलेशन? यस, सैंपल मस्ट बी ए रिजेंबल टू द पॉपुलेशन। अमरावती, एग्जाम में चार्ट फॉर्म में लिखे तो मार्क्स मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे, एज कंपेयर टू थ्योरी ज्यादा मिलेंगे। ऑडिटर इज नॉट चार्ज फॉर इन अप्रोप्रिएटनेस इन फर्स्ट वीक, चार्ज लग सकता है उसके ऊपर। सैंपलिंग रिस्क इज ऑडिट रिस्क, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क की जस्ट एक टाइप है सैंपलिंग रिस्क, बट उसका रिस्क तो बहुत सारे कारणों से और भी है, उन सबको हम नाम देते हैं नॉन सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क क्या है? सैंपल के कारण, और जो इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का रिस्क है विदाउट सैंपलिंग, जैसे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से काम ना करना, नॉन सैंपलिंग रिस्क, नॉन सैंपलिंग रिस्क। इंटरनल कंट्रोल की अपनी इनहेरेंट वीकनेसेस, मैनेजमेंट के फ्रॉड्स, वो सारे फिर मेरे किस रिस्क में आते हैं? नॉन सैंपलिंग रिस्क के अंदर आते हैं। How we determine the reasonable sample? Subject of professional judgment. Liability of auditor depends upon his professional competency, कि उसने किस competency level के साथ काम किया था। Audit effectiveness क्या होता है? आपके काम करने का तरीका, कि आपने जो काम किया था वो ढंग से किया था या नहीं किया था। Erroneous का मतलब गलत, एरर से भरा हुआ। सैंपलिंग प्लस नॉन सैंपलिंग रिस्क इज इक्वल टू ऑडिट रिस्क, ठीक है।
चलो, दिस इज द टॉपिक ऑफ सैंपलिंग रिस्क। अभी स्टैंडर्ड्स की बाकी कुछ रिक्वायरमेंट जनरल सी हैं, वो हम लेंगे ब्रेक के बाद। इशू पहले क्या कराया था, इशू इससे पहले यही टॉपिक कराया है।
Anji, break over. Now, अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया कि एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 530 सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग रिस्क क्या है और सैंपलिंग रिस्क का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब चीजें हमने डिस्कस की। इसके बाद इस स्टैंडर्ड्स के अंदर ऑडिटर की क्या ड्यूटीज असाइन की गई हैं, ऑडिटर को क्या ड्यूटीज दी गई हैं, दैट वी हैव टू कवर। मुजफ्फरनगर सैंपलिंग से पहले क्या कराया था, टेस्ट चेकिंग। ऑडिटर्स ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू सैंपलिंग क्या ड्यूटी है, नंबर वन, सैंपल डिजाइन, सैंपल की डिजाइनिंग करना, सैंपल के साइजेस को डिटरमाइन करना और उनको सेलेक्ट करना। जैसे सैंपल का डिजाइन कि हमारा सैंपल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बेस पर होगा, अमाउंट के बेस पर होगा, स्ट्रेटा के बेस पर होगा, उसकी डिजाइनिंग करना पहला पार्ट, साइज, उसमें ट्रांजेक्शन जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनका नंबर, सिलेक्शन, एक्चुअल में जिन ट्रांजेक्शन को एग्जामिन किया जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक परचेजेस, परचेजेस में हमने देखा परचेजेस आर ऑफ इक्वल अमाउंट अप्रोक्सीमेटली, इक्वल अमाउंट की है लगभग, तो सैंपल का डिजाइन क्या होगा, रैंडम नंबर बेसिस पर, स्पेसिफिक डिजाइनिंग नहीं की, रैंडम नंबर बेसिस पर, कितनी साइज, 50 ट्रांजेक्शंस, सिलेक्शन कैसे, बाय यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स जो स्टैटिस्टिक्स में आपने कभी पढ़ा होगा। रैंडम नंबर टेबल्स को यूज करके हम सैंपलिंग अपने सैंपल्स को डिटरमाइन करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस कितनी है डिवाइड बाय सैंपल साइज, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लेट्स से 700 है, सैंपल साइज 40 का है, बैलेंस आ गया 40th, इट मींस एवरी 14th ट्रांजेक्शन, इस तरह से हमने सिलेक्शन को किया। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा सैंपल को डिजाइन करना, उसके डिजाइन करने के बाद उसका साइज फिक्स करना, साइज फिक्स करने के बाद ट्रांजेक्शंस को सेलेक्ट करना, यह ऑडिटर की पहली ड्यूटी बनती है
designing, size and selection of samples. Notes में पेज नंबर 67 पर ये टॉपिक है, पेज नंबर 67 पर किसी बंद करना. पेज नंबर 67 पर सबसे फर्स्ट पॉइंट सैंपल डिजाइन साइज एंड सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स फॉर टेस्टिंग. पॉइंट नंबर वन, व्हेन डिजाइनिंग एन ऑडिट सैंपल द ऑडिटर शैल कंसीडर पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल शुड बी ड्रॉन. जैसे डिजाइन करते वक्त मैंने एक चीज ली, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, सारी ट्रांसैक्शंस इक्वल अमाउंट की थी, तो मैंने एक चीज ले ली रैंडम नंबर बेसिस पर ले लो, ट्रांसैक्शंस आर ऑफ वेरिड नेचर, इक्वल अमाउंट की नहीं थी, तो मैंने डिजाइनिंग कर दी स्ट्रेटिफिकेशन बेसिस पर ले लो. ये डिजाइन है स्ट्रेटिफिकेशन. तो डिजाइन से हमारा क्या मतलब है, डिटर्मिनेशन द वे आउट इन विच द सैंपल्स टू बी सिलेक्टेड, द वे टू डिटरमाइन द सैंपल. नंबर दो, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन ए सैंपल साइज sufficient to reduce the sampling risk to an acceptable low level. Sample size उतना हो रखो कि आपका sampling risk एक lower level पर जो आपको acceptable है पहुंच जाए. And finally, we have to select the sample. और sample selection करते वक्त इस तरह से आप sample को select करोगे कि every transaction has an equal chance of selection. और कोई बायसनेस नहीं आनी चाहिए, नो बायसनेस शुड एंटर द सिलेक्शन. अब डिजाइनिंग हो गई, साइज डिटरमाइन कर लिया और किनके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड करने हैं वो भी सिलेक्ट कर लिए. उसके बाद नंबर दो पर आएगा परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन सैंपल्स सेलेक्टेड. जो सैंपल सेलेक्ट किए उनके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करो एप्रोप्रिएट. सेकेंड पॉइंट, द ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर एप्रोप्रिएट टू द पर्पस On each item selected. जो item select की उनके ऊपर appropriate audit procedures को performed करो. जैसे example, vouching हो गई, analytical reviews हो गए, उनको performed करो. लेकिन जो item आपने select की, जो आइटम आपने सेलेक्ट की उसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई नहीं हो पा रहा, ऑडिट प्रोसीजर की एप्लीकेबिलिटी नहीं आ रही, देन ऑडिटर शैल परफॉर्म द प्रोसीजर ऑन एनी अदर ट्रांसैक्शन. जो सैंपल मैंने सेलेक्ट किया, जो सैंपल मैंने सेलेक्ट किया उस सैंपल के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर की एप्लीकेबिलिटी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही किसी भी रीजन के कारण, जैसे उसका वाउचर अवेलेबल नहीं है, उस ट्रांसैक्शन का वाउचर अवेलेबल नहीं है, मिसप्लेस हो गया है, तो अंडर दैट सिचुएशन ऑडिट प्रोसीजर शुड बी परफॉर्म्ड ऑन अदर आइटम, रिप्लेसमेंट आइटम. If due to any reason the procedures cannot be performed on the selected item, the procedures are required to be performed on the replacement item.
right? Third, if the auditor is unable to apply the designed audit procedure or any other procedure to a selected item, the auditor shall treat them as a deviation and from the prescribed control, or as a misstatement in the case of test of detail. Now, अब इसे समझो क्या है ये? Samples select किया, samples have purchase of 10 lakhs from X. Purchase of 10 lakh rupees from X. Voucher not available. इसका वाउचर अवेलेबल नहीं है तो ओके, अब मैं दो चीजें आएंगी मेरे पास, परफॉर्म अल्टरनेट प्रोसीजर, इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए तो अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म कर लो, एंड नंबर दो, जो वाउचिंग थी वो अनदर सैंपल पर अप्लाई करो, एक और ट्रांजैक्शन आप सैंपल में ले आओ। ये ट्रांजैक्शन सिलेक्ट की थी, इसका वाउचर अवेलेबल नहीं है तो वाउचिंग इसकी तो हो नहीं पा रही, इसके ऊपर तो दूसरा प्रोसीजर परफॉर्म कर लो, और वाउचिंग किसके ऊपर परफॉर्म कर लो, किसी भी और आइटम के ऊपर जो आपने रिप्लेस की है इसके साथ। अब इसको कैसे कंफर्म करूं? रिप्लेसमेंट आइटम का मतलब है भोपाल, सेलेक्ट अनदर सैंपल, सेलेक्ट अनदर ट्रांजेक्शन, किसी और ट्रांजेक्शन को एग्जामिन कर लो। अब इसका क्या करूं? इस पे भी तो डाउट आ गया, इसका वाउचर नहीं है, इसका वाउचर नहीं है, क्या करूं? व्हाट टू डू बताऊं? इस परचेज का इनवॉइस नहीं है, जो सैंपल में सिलेक्ट किया था, हां लेक टाउन बिल्कुल ठीक, लेक टाउन ने एक अल्टरनेट प्रोसीजर बताया है, ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो, किससे? फ्रॉम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। और क्या कर सकते हैं? गंगानगर, सतना, पटना, भोपाल, सब कुछ ठीक है, और क्या बताओ, और क्या हो सकता है? बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करो पेमेंट डिटेल, और क्या हो सकता है? परचेज बुक में तो एंट्री है, मुझे एग्जामिन करना है, ये डुप्लीकेट वाउचर फ्रॉम सप्लायर, डुप्लीकेट वाउचर फ्रॉम सप्लायर, सो इस तरह से ठीक, तीन पॉइंट इसके अंदर है। नंबर वन, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान रखना, नंबर वन, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स जो आपने डिटरमाइन किए थे, जो सैंपल सेलेक्ट किए, उन पर अप्लाई करो। द ऑडिटर शैल परफॉर्म, पहला पॉइंट है ये, द ऑडिटर शैल परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स एप्रोप्रिएट टू द पर्पस ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड, बट ऑडिट प्रोसीजर्स, सिचुएशन वन, कैन नॉट बी अप्लाइड ओवर सेलेक्टेड आइटम। ऑडिट प्रोसीजर
अप्लाई नहीं हो पा रहा सिलेक्टेड आइटम पर, अप्लाई ऑडिट प्रोसीजर ऑन रिप्लेसमेंट आइटम, उस सैंपल को किसी और सैंपल से, किसी और ट्रांजैक्शन से रिप्लेस कर दो। नंबर दो, परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर किसके ऊपर? ऑन ओरिजिनल सिलेक्टेड आइटम, जो ओरिजिनल सैंपल था जिसके ऊपर प्रोसीजर अप्लाई नहीं हो पाया। जैसे एग्जांपल लिया, परचेज एक्स से की हुई, उसका वाउचर अवेलेबल नहीं था। परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर ऑन ओरिजिनल सिलेक्टेड आइटम। ऑब्टेन एविडेंस, नॉट अवेलेबल, जितनी चीजें आप सबने बताई थी अभी मेरे को कि बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर लो, बैंक स्टेटमेंट में 10 लाख की कोई पेमेंट नहीं आ रही। आपने कहा एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो मिस्टर एक्स से, मिस्टर एक्स ने एक्सटर्नल कंफर्मेशन का कोई रिप्लाई नहीं दिया। आपने कहा गेट पास चेक कर लो, गेट पास है ही नहीं। आपने कहा इन्वेंट्री की डिटेल चेक कर लो, इन्वेंट्री रिकॉर्ड के अंदर इसकी एंट्री नहीं है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड में इसकी एंट्री नहीं है। दैट मीन्स मैं कहीं से भी एविडेंस नहीं ले पाया, तो क्या करूं? रोहतक कहता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लो। नो, तो ये क्या शो कर रहा है? क्या आप इस 10 लाख की परचेज से कंफर्टेबल हैं, या ये मिस स्टेटमेंट है एक तरह की? जब आपको कहीं से भी कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, ना इसकी पेमेंट है, ना इसका वाउचर है, ना स्टॉक रिकॉर्ड में एंट्री है, क्या ये मिस स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती? इट अमाउंट्स टू ए मिस स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। रिपोर्ट अकॉर्डिंगली कि कोई भी एविडेंसेस जब आपको इस ट्रांजैक्शन का नहीं मिला, That means ये परचेज गलत है, फ्रॉड है, forged है। नंबर तीन, पहला सैंपल डिजाइन किया, फिर साइज किया निकाला, फिर सेलेक्ट किया, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड किए, अब क्या करूं? इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ सैंपलिंग, इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैंपलिंग, कि जो रिजल्ट आपकी सैंपलिंग ने दिया उसके रिजल्ट को इवैल्यूएट करो टू डिटरमाइन whether a reasonable assurance level achieved or not। To determine whether a reasonable assurance level achieved or not। Okay, in that manner auditor is required to perform the duties as per standard on auditing 530। हां जी, रोहतक जो रिप्लेस सैंपल होगा इस पॉइंट में वो पॉपुलेशन से निकाला जाएगा। रिपोर्ट किसे करेंगे? अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे, शेयर होल्डर्स को करेंगे। मेरिट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी दे सकते हैं आप उस चीजों के ऊपर, वो ऑडिट रिपोर्ट की एक टाइप है। सिलीगुड़ी एक पॉइंट
बिगनिंग से क्लियर नहीं वाई द मैनेजर विल डू फ्रॉड इन देयर और इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, क्रेडिटर्स को चीट करने के लिए, डेटर्स को चीट करने के लिए, देर आर लॉट ऑफ मोटिव्स। मैनेजमेंट के अंदर एक पर्सन अपने आप को पर्सनल बेनिफिट देने के लिए एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। भोपाल रिपोर्ट इफ एडवर्स देन इट विल बी गिवन विद रेफरेंस टू ट्रांसैक्शन, बिल्कुल रीजन देना पड़ेगा आपको। विंडो ड्रेसिंग इज वन ऑफ द रीजन सिलीगुड़ी। ओके, नाउ इसके बाद इस सैंपल का नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द कंट्रोल। से मतलब है जो कंट्रोल मैनेजमेंट कह रही है हम अप्लाई कर रहे हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल। मेथड्स ऑफ सैंपल सिलेक्शन, सैंपल सिलेक्शन के कौन कौन से मेथड हैं, पांच मेथड हैं। नंबर वन रैंडम, नंबर दो सिस्टेमेटिक, नंबर तीन हैफिजर्ड, नंबर चार मॉनिटरी यूनिट, रैंडम सिस्टेमेटिक हैफिजर्ड मॉनिटरी यूनिट एंड ब्लॉक सैंपलिंग। ब्लॉक नाउ रैंडम सिलेक्शन क्या है, यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन इज अलॉटेड विद ए नंबर and then numbers are selected by use of random number tables and the transactions corresponding to that number, transactions corresponding to the number आर एग्जामिन्ड। इस केस में नहीं, गंगानगर ये मर्जी से कोई नहीं लेते हैं, ध्यान से समझना ये टेक्निक क्या है। माइट भी हो सकता है आपने स्टेटिस्टिक्स के अंदर पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी होगी तो सीए फाइनल में कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर आएगी। यदि ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली हम देखें, ठीक, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली देखकर एग्जामिनेशन करूं तो वहां बायसनेस आने के चांस है कि ये ट्रांजैक्शन एक्स ने एंटर की है या वाई ने एंटर की है, ये लार्ज अमाउंट की है, ये स्मॉल अमाउंट की है, वहां बायसनेस आ सकती है। हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को एक नंबर अलॉट कर देते हैं। जैसे मुझे रेमुनरेशन चेक करना है एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से नंबर दे दिए, ये नंबर दे दिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर होता क्या है, रैंडम नंबर टेबल, स्टेटिस्टिक्स की टेबल बनी हुई है ये, नहीं कि जैसे टेबल
एक नौ आठ सात छः दो चार पाँच नौ ग्यारह तीन छः पाँच नौ अठारह कुछ भी इस तरह से, इसमें से एक टेबल उठा लो कोई भी। मैंने ये उठा ली, मैंने ये एक टेबल उठा ली स्टैट में। जैसे स्टेटिस्टिक्स की बहुत सारी टेबल है, एनुइटी टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल है, कंपाउंडिंग टेबल है, लॉग फैक्टर्स की टेबल है, तो इस तरह से ये एक रैंडम नंबर की टेबल्स बनी हुई है। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, मैंने एक टेबल पिक कर लिया, इस टेबल में तीन छह पांच नौ अठारह नंबर है। ओके, तीन छ पांच नौ और जो भी अठारहवें नंबर पर ट्रांजेक्शन आएगी, उन ट्रांजेक्शन को मैं एग्जामिन करूंगा। प्रीत विहार वाले कह रहे हैं लाइक तंबोला टिकट, ओके, इज इट क्लियर। हर एक ट्रांजेक्शन को हम एक नंबर अलॉट कर देते हैं और नंबर्स को सेलेक्ट किया जाएगा यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल, एंड ट्रांजेक्शन जो कॉरेस्पॉन्ड करेगी उस नंबर पर, जो ट्रांजेक्शन कॉरेस्पॉन्ड करेगी उस नंबर पर, उसको एग्जामिन कर लिया जाएगा। भोपाल 19876 ये एक रैंडम नंबर टेबल है जो स्टेटिस्टिक्स ने वैसे ही बना रखी है रैंडम नंबर पर, कि यदि आपको बायसनेस से बचना है तो ठीक है। जैसे सपोज मेरे को आपकी क्लास में से पांच स्टूडेंट को कोई अवार्ड देना है, अब यदि मेरे को कहा जाए कि उस पर्टिकुलर क्लास में से पांच स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लो, और यदि मेरे को क्लास के अंदर बच्चों के बारे में नॉलेज है तो पांच स्टूडेंट जो मेरे को अच्छे लगते होंगे इन टर्म्स ऑफ उनकी डिसिप्लिन, उनकी एजुकेशन, उनका कंसेप्चुअल नॉलेज, मैं उन्हें सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन यदि मैनेजमेंट मेरे को ये कहे पांच रैंडम बेसिस पर सिलेक्ट करने हैं, मैं तो रैंडम बेसिस पर भी बायसनेस को ले आऊंगा बीच में। लेकिन बायसनेस से बचने के लिए मैनेजमेंट मेरे को क्या कहेगी, रैंडम नंबर टेबल यूज कर लो। उसमें क्या होगा, स्टूडेंट के नाम नहीं है मेरे पास, मेरे पास नाम नहीं है, नंबर होंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। अब इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है मेरे को, मैं रैंडम नंबर टेबल उठाऊंगा और उसमें से एक टेबल उठा ली, ये टेबल उठा ली, ये वाले नंबर सिलेक्ट कर लिए 19876, ओके 19876 ये सिलेक्ट हो गए। मुजफ्फरनगर वाले कह रहे हैं अवार्ड दो प्राइज दो, कल रिजल्ट आएगा उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कल रिजल्ट आने वाला है ना, रिजल्ट के बाद पता चलेगा किसको क्या प्राइज मिलना है। सो इन दैट मैनर हम रैंडम नंबर टेबल्स को यूज कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स को सेलेक्ट करने के लिए। नंबर दो, प्रैक्टिकली इट इज फॉलोड और नॉट, होता है ये फॉलो। हरिद्वार वाले कह रहे हैं रिजल्ट के नाम से परेशान मत करो। रिजल्ट के नाम से परेशान नहीं कर रहा, आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, कल रिजल्ट आ रहा है एंड विशिंग यू दैट यू स्कोर गुड, बहुत अच्छे नंबर आए आपके, सिर्फ पास ही नहीं अच्छे नंबरों के साथ पास हो। नंबर दो, सिस्टेमेटिक सैंपलिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम फिक्सअप कर लेते हैं। पानीपत वाले कह रहे हैं हैप्पी रिजल्ट डे इन एडवांस, एडवांस में एक दिन पहले, कोई बात नहीं कल भी विश कर दूंगा। सिस्टेमेटिक, इसके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट इन पॉपुलेशन डिवाइड बाय
sample size. Number of sampling unit in population, की population में कितने sampling units हैं और मेरा sample size क्या है, कि जैसे suppose 1000 transactions हैं, sample size है 50 transactions का, तो ये आ गया 20. Every 20th transaction will be examined. एक systematic base है, पहली transaction random base पर कोई भी हो सकती है, पहली transaction 1 से 20 पर. सबके मैसेज रिजल्ट के ऊपर ही आ रहे हैं. यमुनानगर कह रहा है मजे ले रहे हो, हमारा रिजल्ट तो 6 महीने पोस्टपोन हो गया है लगता है. रिजल्ट डे शॉकिंग डे. रिजल्ट अच्छा आएगा, डोंट वरी. जिस तरह से सीए फाइनल का रिजल्ट 36% के आसपास गया है, एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड 35-40% के आसपास रिजल्ट आएगा आईपीसीसी का. दैट विल बी ए वेरी गुड रिजल्ट. So it will not be a shocking day, it will be an happy day, at least for those who have done preparation for the examination. हाँ, जिसने preparation ही नहीं की थी, paper ही ऐसे देकर आया है, उनके लिए might be shocking, लेकिन हो सकता है उनके लिए भी lucky day बन जाए, ऐसे ही pass हो जाएं. Otherwise, जिन्होंने preparation की थी, उनके लिए ये result कहीं से भी shocking नहीं होगा. Okay? अब रिजल्ट से थोड़ा हटकर इस पॉइंट पर फोकस करो. यदि 1000 ट्रांजैक्शंस हैं, सैंपल साइज 50 ट्रांजैक्शंस का है, सो सिस्टेमैटिक बेसिस पर 20th, एवरी 20th ट्रांजैक्शंस की हम एग्जामिनेशन करेंगे. होगा क्या इसमें, पहली ट्रांजैक्शन 1 से 20 के बीच में मैंने कोई भी सिलेक्ट कर ली, लेट्स से 16th ट्रांजैक्शन, तो उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन में 36, 56, 76, 96, 116, हर 20वीं ट्रांजैक्शन को हम एग्जामिनेशन करते जाएंगे. ओके. थर्ड, हैफेजर्ड. पहली सिलेक्शन रैंडम बेस पर होगी, उसके बाद की ट्रांजैक्शन 20th, एवरी 20th ट्रांजैक्शन. जोधपुर, इफ मैनेजमेंट नो दिस सीक्वेंस इट विल बी यूजलेस. तो वही है ना, पहली ट्रांजैक्शन तो आपके कंट्रोल में है, पहली ट्रांजैक्शन आपके कंट्रोल में है, और बीच में भी कहीं पर सीक्वेंस चेंज करनी है कर दो. जैसे यहां तक पहुंचे 116 तक, उसके बाद आपने क्या किया, 136 की जगह 135 डाल दिया बीच में, फिर 155, 175, 195, 215 के बाद 235 आना था, फिर वापस 236 डाल दिया. So, एक सिस्टम के अंडर होकर के हम काम करते हैं. हैफेजर्ड, जजमेंट बेसिस पर. हैफेजर्ड, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर, जो ट्रांजैक्शन आ गई उसको चेक कर लो. जजमेंट बेसिस पर कोई सिस्टेमैटिक बेस नहीं है. मॉनिटरी यूनिट्स, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस. मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग के अंदर वो यूनिट्स जो मनी बेसिस पर सिलेक्ट किए जाते हैं. ब्लॉक सैंपलिंग, सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स इन ब्लॉक्स. सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स इन ब्लॉक्स,
क्या है, जैसे फाइव ट्रांसैक्शंस का ब्लॉक बना लिया आफ्टर एवरी 20th ट्रांसैक्शन, जैसे पहले एक से पांच ट्रांसैक्शन चेक की, फिर 6 से 25 छोड़ दी, फिर 26 से 30 ट्रांसैक्शन चेक कर ली, फिर 31st से 50 छोड़ दी, फिर 51 टू 55 सेलेक्ट कर ली, इन दैट मैनर ब्लॉक्स बनाकर, ट्रांसैक्शंस का फाइव ट्रांसैक्शन का ब्लॉक बनाकर सैंपल्स को सेलेक्ट करना, दैट इज नोन एज द ब्लॉक सेलेक्शन। क्लियर? कंटिगुअस मतलब साइमल्टेनियस, जैसे एक दो तीन चार पांच। सिस्टमैटिक में क्या था, बीच में गैप आ रहा है, यहां पर एक के बाद पांच ट्रांसैक्शन कंटिन्यूएशन में ब्लॉक में चेक होंगी। कंटिगुअस से मतलब साइमल्टेनियस होता है हमारा। ओके, दीज आर द फाइव मेथड्स ऑफ सैंपल्स। डिफरेंट बुक्स के अंदर देखोगे तो सैंपलिंग के अलग अलग मेथड दिए हुए हैं, लेकिन आपको ये मेथड्स ही लिखने हैं। दीज आर एज पर SA530, ये मेथड एज पर SA530 है, पांच मेथड। बाकी बुक्स में क्लस्टर सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग, रोलिंग सैंपलिंग, बहुत सारे मेथड्स और मिले हुए मिलेंगे आपको, बट यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन दीज फाइव ओनली। रैंडम, सिस्टमैटिक, हैफेजर्ड, मॉनिटरी यूनिट, ब्लॉक। सबसे बेस्ट मेथड जो माना जाता है, वैसे मोस्ट ऑफ दी ट्रांसैक्शंस के केस में सिस्टमैटिक को माना जाता है। इट इज ए साइंटिफिक मेथड। हां जी, सिस्टमैटिक मेथड इज ए साइंटिफिक मेथड। पेज नंबर 67 पर डी पॉइंट में सैंपल सिलेक्शन मेथड दिए हुए हैं, ये पांचों, रैंडम, सिस्टमैटिक, मॉनिटरी यूनिट, हैफेजर्ड एंड ब्लॉक सिलेक्शन। हां जी जम्मू, शेरो शायरी कर रहे हो बड़ी। एक शेर आपका पहले आया था, दूसरा अब है। छुट्टी के लिए इतने परेशान हो रहे हो? सतना कह रहे हैं हमें भी सुनाओ, वो लिख रहे हैं, नीचे चला गया। आप तो दोबारा लिख के भेजना एक बार जम्मू। पेज नंबर 68, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सैंपल साइज। ये आपने अपने आप करना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सैंपल साइज को ज्यादा कर सकते हैं या सैंपल साइज को कम कर सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेता हूं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के। कंट्रोल मुझे एग्जामिन करना है सैंपलिंग बेसिस पर, पहला फैक्टर, इंक्रीज इन द एक्सटेंट टू विच ऑडिटर असेसमेंट टेक्स इनटू अकाउंट रेलिवेंट कंट्रोल। ऑडिटर की रिस्क असेसमेंट बहुत ज्यादा है, ऑडिटर को लग रहा है इस एंटिटी में रिस्क ज्यादा है, रिस्क असेसमेंट के थ्रू उसको रिस्की पोजीशन नजर आ रही है, तो बताओ सैंपल साइज बढ़ेगा या कम होगा? रिस्क असेसमेंट इज हाई, सैंपल साइज विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज इन द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। आप चाहते हो कि जो आपकी टॉलरेबल रेंज है वो इंक्रीज,
ज्यादा एक्सटेंट तक भी कमियों को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। यदि कंट्रोल इफेक्टिव नहीं भी है तब भी आप डेविएशन लेने के लिए तैयार हो, डेविएशन रिस्क लेने के लिए आप तैयार हो, तो सैंपल साइज को क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे। यदि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, डेविएशन लेने के लिए तैयार हो, तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर दिए हुए हैं, ये आपने खुद पढ़ने हैं। आप और इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक वो भी आपने खुद पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के क्या बेनिफिट होंगे। तो जम्मू वालों का शेर सुन लो पहले, क्या लिख रहे हैं, वो चांद ही क्या जो रात को चांदनी ना दे पाए, बस अब नीचे चला गया आगे, एक ही लाइन पढ़ी थी, दोबारा लिख के भेजो जल्दी से। बाकी ने वाह वाह तो कर दी है, लेकिन दूसरी लाइन तो सुन लो आगे भी क्या कह रहे हैं। दूसरी लाइन है, वो गुरु ही क्या जो अपने बच्चों को छुट्टी ना दे पाए। चलो 5 मिनट में छुट्टी कर रहा हूं, अब मेरे ऊपर ही ले आए हो बात को। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के एडवांटेजेस खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मीनिंग एंड पर्पस पढ़ चुके हो, क्वेश्चन नंबर 15 सैंपलिंग रिस्क, और आज का टॉपिक कंप्लीट। जो जाना चाहता है जाए, और खास तौर से जम्मू वाले, छुट्टी उनकी। अब जिसके डाउट्स हैं वो रुक जाओ। जिसके भी डाउट्स हैं, जो कोई चीज डिस्कस करना चाहता है वो रुक जाए, एंड होप कि जब भी अब मुलाकात होगी, नेक्स्ट वीक तो आई थिंक कि क्लासेस ऑफ हैं, उससे नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे ग्रुप वन का। बेस्ट विशेस फॉर योर रिजल्ट एंड एक्सपेक्टिंग फॉर द ग्रेट रिजल्ट्स फ्रॉम यू। हाँ जी, अब बताओ अपनी डाउट्स क्योरीज क्या क्या हैं। जोधपुर वाई ऑडिटर विल एक्सेप्ट डेविएशन, सैंपलिंग कर रहा है, जब 100% चेकिंग ही नहीं कर रहा, सैंपलिंग कर रहा है तो डेविएशन हो सकती है, और डेविएशन वो एक्सेप्ट करेगा भी टू सम लेवल, वो उसकी अपनी एक टॉलरेंस रेंज होती है। एक वर्ड आगे जाकर पढ़ोगे, टॉलरेंस रेंज, कहां तक की डेविएशन आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, कहां तक की डेविएशन, कि ओके माइनर से जो कंट्रोल है माइनर इनइफेक्टिव है वो भी एक्सेप्टेड, मटेरियलिटी लेवल कि इतने अमाउंट तक की ट्रांजेक्शन की गलती एक्सेप्ट कर लेंगे, इससे ऊपर की यदि ट्रांजेक्शन की गलती हुई उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो टॉलरेबल रेंज है दैट इज ए सब्जेक्ट ऑफ मटेरियलिटी। जोधपुर कैन एन ऑडिटर एक्ट एज टैक्स एंड फाइनेंशियल, हां जी हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द एंटिटीज में जहां फाइनेंशियल ऑडिटर अपॉइंटेड है वही पर्सन रोल प्ले करता है टैक्स ऑडिटर का भी। टेस्ट, हां एक चीज और, जो बच्चे अभी नहीं गए हैं वो एक चीज और सुन लो, आपका टेस्ट है अब एक चैप्टर 7, 8, 1 एंड 2 का, 50 मार्क्स का, आफ्टर 15th अगस्त। बिफोर नेक्स्ट क्लास, दैट मीन्स 20th अगस्त से पहले, 15 से 20 अगस्त के बीच में टेस्ट होगा, वो आपका सेंटर खुद डिटरमाइन करेगा एज पर द क्लास शेड्यूल, जो बाकी क्लासेस का शेड्यूल है, और क्लासरूम की अवेलेबिलिटी, क्लासरूम अवेलेबिलिटी के बेस पर और आपकी बाकी क्लासेस के शेड्यूल के बेस पर विल बी डिसाइडेड बाय द सेंटर इटसेल्फ। होम टेस्ट नहीं है।
एग्जैक्ट डेट आपका सेंटर आपको बताएगा 15 अगस्त के बाद, 16 अगस्त को कंफर्म कर लेना अपने सेंटर से। हां जी करनाल, प्रैक्टिकली सैंपलिंग किस एक्सटेंट तक इफेक्टिव है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम सैंपलिंग ही करते हैं, 100% चेकिंग तो होती ही नहीं है, और ये इफेक्टिव भी रहती है। इट डज नॉट शो कि ये इफेक्टिव नहीं है। यदि सैंपलिंग को प्रॉपर वे में सिलेक्ट किया जाए सैंपल्स को, तो इट ऑलवेज गिव्स गुड रिजल्ट्स। टेस्ट का नंबर मिलते नहीं है। लास्ट टाइम ये चीजें हुई थी कि कुछ टेस्ट हमारे पास लेट पहुंचे थे या वट एवर द रीजन इज, और वो चेक भी नहीं हुए, बट दिस टाइम इट विल नॉट हैपन। आई माई सेल्फ मॉनिटर दिस टेस्ट कि कहां कहां से ये टेस्ट नहीं आए हैं हमारे पास, और मैं रिकमेंड करूंगा सभी टेस्ट को दें। लेक टाउन, हमें तो पेपर ही नहीं मिलता। अपने सेंटर वालों के जो सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं उसको कहो रेगुलरली जो भी मेल्स आती हैं हेड ऑफिस से उनको पढ़ें, और उसमें कहीं ना कहीं टेस्ट मिलता ही है। अपने कोऑर्डिनेटर को कहिए ये चीज। रोहतक, इज टेस्ट चेकिंग फॉलो सैंपलिंग? टेस्ट चेकिंग को करने के लिए सैंपलिंग तो होगी ही। अमृतसर आइटम नॉट सुटेबल फॉर टेस्ट चेकिंग का 8वां पॉइंट। सीजनल इंडस्ट्री, सीजनल इंडस्ट्री के केस में जो सैंपल्स पिकअप होने चाहिए वो एनुअल बेसिस पर सैंपल सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब सीजन आता है उस वक्त ट्रांजेक्शन ज्यादा होती हैं, और जब सीजन नहीं है ट्रांजेक्शन बहुत कम होती हैं। तो सैंपलिंग शुड बी डन फ्रॉम द पीरियड जब मेन सीजन चल रहा होता है। सो सैंपलिंग इट शुड नॉट बी ऑन एनुअल बेसिस, रादर ऑन सीजनल बेसिस। मेरठ, इज जनरल व्यू एंड सुप्रीम कोर्ट व्यू ऑफ ऑडिटर ऑन हिज क्लाइंट रिकॉर्ड्स? सुप्रीम कोर्ट का तो ऐसा कोई स्पेशल व्यू नहीं है। वो तीन कंडीशंस हैं जो एक जजमेंट के अंदर आई थी, और वो जजमेंट बेसिकली एक दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, और वो तीन पॉइंट्स थे कि वर्किंग होनी चाहिए, फीस अनपेड होनी चाहिए, एंड क्लाइंट्स की अथॉरिटी के अंदर डॉक्यूमेंट्स कस्टडी में आने चाहिए। मुंबई बोरीवली, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट आर द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ सैंपलिंग? मीनिंग पेज नंबर 65 पर दिया हुआ है, पर्पस भी मीनिंग के अंदर लिखा हुआ है, एंड दैट इज क्या है? टू प्रोवाइड द ऑडिटर ए रीजनेबल बेसिस टू ड्रॉ द कंक्लूजन About the population from which samples are selected. Means, purpose क्या है? Sample की examination के basis पर, sample की examination के basis पर population की opinion देना। पटना ग्रुप टू के अकाउंट का एक भी रिजल्ट नहीं आता है। एक तो कल ही अनाउंस हुआ है, पटना ग्रुप टू के अकाउंट का तो रिजल्ट एक कल ही अनाउंस हुआ था। टॉलरेंस रेंज से मतलब है वो लेवल एरर का, डेविएशन एरर का, जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट मींस लेस देन मटेरियलिटी, लेस देन मटेरियलिटी। हां जी, 8 नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर 14 मीनिंग एंड पर्पस के साथ फिर 8 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो आप इसमें मेथड्स या ऑडिटर का जो प्रोसीजर है वो और डाल सकते हो।
मतलब पूरा का पूरा उसने 530 के रेफरेंस में पूछा है, तो इसमें आपको फिर मीनिंग, पर्पस, सैंपलिंग रिस्क, ऑडिटर्स ड्यूटीज, मेथड ऑफ सिलेक्शन, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा, लेकिन ब्रीफ में, ब्रीफ में। हां जी, परवेसिव रादर देन कंक्लूसिव। परवेसिव वो एविडेंसेस होते हैं विच गिव अस एन आइडिया कि यहां ट्रांजेक्शन इस तरह से हुई है। कंक्लूसिव एविडेंसेस जनरली हमें नहीं मिल पाते, हम उन एविडेंसेस को इसी वे में लेकर चलते हैं कि हां ऐसा हुआ होगा, बट इट इज नॉट ए कंफर्मेशन कि हां ऐसा ही हुआ है। टेस्ट चेकिंग एंड सैम्पलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दीज टू वर्ड्स आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। अमरावती, डिब्रूगढ़, द्वारका, अंबाला, क्वेश्चन नंबर 15। द ऑडिटर इज फेस्ड विद द सैम्पलिंग रिस्क इन बोथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव। इसमें तो सैम्पलिंग रिस्क का टॉपिक ही लिखना है आपने 8 नंबर में, और कुछ भी नहीं चाहिए। वो जो एक टेबल बनवाई थी आपको, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सैम्पलिंग प्रोसीजर और उसका इफेक्ट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में दो रिस्क आते हैं, कंट्रोल माइट बी मोर देन एक्चुअली आर, कंट्रोल माइट बी लेस देन एक्चुअली आर। सब्सटेंटिव में मिस स्टेटमेंट मे एग्जिस्ट, मिस स्टेटमेंट मे नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट कैटेगरी अफेक्ट करती है ऑडिट इफेक्टिवनेस को, सेकेंड इफेक्ट करती है ऑडिट एफिशिएंसी को। वो चीजें ही आपने कवर अप करनी है। लेक टाउन जॉब करने के लिए सीओपी सरेंडर करना पड़ता है। He must be and appear to be free of any interest which is incompatible with his integrity. बिल्कुल, ऑडिटर का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जो उसकी ऑनेस्टी पर इफेक्ट डाल सकता हो। जैसे ही शुड नॉट बी द शेयर होल्डर, ही शुड नॉट बी द एम्प्लॉय, ही शुड नॉट बी द डेटर ऑफ द कंपनी। नॉन सैम्पलिंग रिस्क का एग्जाम्पल जबलपुर। नॉन सैम्पलिंग रिस्क वो रिस्क है जो अदर देन सैम्पलिंग के कारण है। अदर देन सैम्पलिंग के कारण जैसे इंटरनल कंट्रोल की अपनी वीकनेसेस, इंटीग्रिटी ऑफ डाउट ओवर द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, फ्रॉड इन द ऑर्गेनाइजेशन, कंपेटिबिलिटी बिटवीन द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, ये ऐसी चीजें हैं कि जो सैम्पलिंग एरर के नहीं है, रादर नॉन सैम्पलिंग एरर को रिप्रेजेंट करती है। मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है, देर आर चांसेस कि आई कैन एक्सप्रेस द इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन, रीजन बिंग फ्रॉड्स आर देयर बट नॉट इन माई नॉलेज। रोहतक, ऑडिट प्रोग्राम बहुत सिंपल है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। रायपुर, सैस वर्क कर रहा है। डिब्रूगढ़, 14 में क्या लिखेंगे, मीनिंग नेचर, उसके बाद रिक्वायरमेंट के वो तीनों पॉइंट, डिजाइन साइज सिलेक्शन, उसके बाद परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, देन इवेल्युएशन, और फिर 5 मेथड के नाम, सिर्फ नाम, नो डिटेल। मुजफ्फरनगर, मटेरियल एंड परवेसिव और मटेरियलिटी में डिफरेंस। परवेसिव वर्ड जो अफेक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल को, मटेरियलिटी एज ए होल भी चलती है एज वेल एज इंडिविजुअल भी चलती है। खाली मटेरियलिटी वर्ड इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस के लिए है, और परवेसिव वर्ड जब आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल के लिए आ जाता है। ग्वालियर, सैस वर्किंग, मुंबई थाने, सैस वर्किंग, मुजफ्फरनगर, बात सुनाओ अपनी। बिल्लई, आई एम नॉट द ऑडिटर ऑफ ईटन। स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट, जैसे टैक्स ऑडिट, ऑडिटर्स ड्यूटीज का सेकंड पॉइंट, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं उस डाटा के ऊपर जो ऑडिटर ने सेलेक्ट किया था एज ए सैंपल। लेकिन यदि एक प्रोसीजर अप्लाई नहीं हो पा रहा किसी सैंपल के ऊपर, तो वही प्रोसीजर अप्लाई करो किसी उसके ऑल्टरनेट पर, उसके रिप्लेसमेंट पर। और जो सैंपल के ऊपर आपका डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई नहीं हो पा रहा था, उसके ऊपर कोई दूसरा प्रोसीजर अप्लाई करो। लेकिन तब भी ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते,
That means there is a deviation. अंबाला मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग बुक से बता दूं, स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग वो सैंपलिंग है जिसके दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल एंड नंबर दो यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी। वो सैंपलिंग टेक्निक जिसमें रैंडम नंबर्स को यूज किया जाता है, रैंडम सिलेक्शन की जाती है और प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है, दैट इज द सिस्टमैटिक सैंपलिंग। मुंबई थाने पेज 18 क्वेश्चन 7 कहां पहुंच गए, पहले चैप्टर पर पहुंच गए। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हां जी, पेज नंबर 15 पर, पेज नंबर 15 पर स्कोप ऑफ ऑडिट। जबलपुर व्हाट इज नॉन सैंपलिंग, नॉन सैंपलिंग एरर वो है जो आपका रिस्क है इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन का ड्यू टू रीजन अदर देन सैंपलिंग, ड्यू टू रीजन अदर देन सैंपलिंग। नॉन सैंपलिंग रिस्क इज रिस्क ऑफ इश्यूइंग एन इन अप्रोप्रिएट और एरोनियस कंक्लूजन ड्यू टू द रीजन अदर देन सैंपलिंग। भिल्लई कह रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं आप डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं हो, ना मैं शेयर होल्डर हूं, ना मैं एम्प्लॉई हूं, ना मैं ऑफिसर हूं, ना मैं ऑफिसर हूं, ना मैं एम्प्लॉई हूं, ना मैं शेयर होल्डर हूं। आई एम गिविंग क्लासेस हेयर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिजल्ट, मैं एम्प्लॉई नहीं हूं। तो सर आप क्या हैं, फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो एक असाइनमेंट है और उस असाइनमेंट क्या, एक ऑडिटर एक एंटिटी को एक ही सर्विस दे सकता है, ऑडिट की दूसरी नहीं दे सकता है। जबलपुर एडिशनल कंसीडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर, कि क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना और हमारे से पहले जो ऑडिटर था हाउ टू कम्युनिकेट विद दैट ऑडिटर, उसके साथ कम्युनिकेशन की हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। मुजफ्फरनगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो गलती जो सिग्निफिकेंट है, जैसे मैनेजरियल रेमुनरेशन 5 करोड़ का कंप्यूट किया है, बनता है 2.5 करोड़ रुपए, तो 2.5 करोड़ रुपए ज्यादा दे रखे हैं, दैट इज व्हाट मटेरियल मिस स्टेटमेंट। हां जी, गुवाहाटी सेस आ रहा है, आप अपना क्वेश्चन भेज दो। भिल्लई तो आप बेनिफिशियरी तो डीम्ड होना, बेनिफिशियरी तो हूं, वो तो सिर्फ एक अपनी असाइनमेंट एज ए फैकल्टी है, इट डज नॉट डिस्क्वालीफाई मी टू अपॉइंट एज एन ऑडिटर। रायपुर ऑडिटर ड्यूटी के सेकंड पॉइंट में सिलेक्टेड आइटम पे अल्टरनेटिव के आगे डेविएशन, कि जहां पर आपको लगे कि कंट्रोल जो मैं सोच रहा हूं वैसा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेविएशन मिस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, इंटरनल कंट्रोल की डेविएशन एक कंट्रोल की इन एग्जिस्टेंस और इन इफेक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करेगी। ऑडिटर ड्यूटी कहां है बुक में, रिक्वायरमेंट ऑफ एसए पेज नंबर 67 पर पॉइंट नंबर एबीसी। बायस अनऑफिशियल सैंपलिंग व्हाट इट मींस, PPR क्वेश्चन इज रॉन्ग। भिल्लई तो क्या आपको इंडिपेंडेंस बाय माइंड और इंडिपेंडेंस मान, हां जी मान लिया जाएगा। द्वारका ओरल एविडेंसेस, ओरल एविडेंसेस वो एविडेंस है जो मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन में, एम्प्लॉयज के साथ डिस्कशन में,
उन्होंने मुझे ओरली बताया है, लिखकर नहीं दिया. डिस्कशंस विच सैंपलिंग मेथड इज यूज्ड इन इनकम टैक्स स्क्रूटनी ऑडिट, इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. चलो बस आज के लिए इतना ही. विशिंग यू ए वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे प्लस विशेस फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम यू. और बाकी अब बात नेक्स्ट लेक्चर में, एंड नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा क्योंकि नेक्स्ट वीक क्लासेस ऑफ है. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बीच में 15 अगस्त भी आएगा. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स जो कल आ रहा है.